सर का मैं स्वागत करता हूँ, आइए गुरुजी। धन्यवाद मनोज जी। आप सब किसान बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा है, मैं तो एक छोटा सा प्रहरी हूँ जिसका काम है लोगों को जगाना। चूंकि जिसका काम जगाना होता है उसका काम तो निरंतर चलते ही रहता है, और इस वजह से क्या है, मेरे लगातार प्रवास होते रहते हैं और उसको लोग उसको व्यस्तता मान लेते हैं। बाकी मैं अपने काम के लिए व्यस्त हूँ, कोई दुनिया में कोई और काम के लिए मुझे बुलाएगा तो फिर पक्का नहीं जा पाऊंगा। और ऐसा हुआ है, इंदौर में कई कार्यक्रम में बुलाए पर आना नहीं हुआ, और मनोज जी ने मेरे से कहा नहीं इस बार तो आना ही। मैंने कहा आप काम ही अच्छा कर रहे हो, पक्का आएंगे। और मैं 2000 से, मैं और मेरी पत्नी मिताली, मैं उनसे भी चाहूंगा कि आप भी थोड़ा मंच पर ऐसे आए, उनको भी लोग जरा देखें। ठीक है, बैठो। और हम दोनों नानाजी देशमुख के साथ, मतलब 2005 में नानाजी देशमुख ने अपील की कि मुझे गांव के विकास के लिए काम करने वाले, करने के लिए पढ़े लिखे युवक चाहिए, पढ़े लिखे दंपत्ति चाहिए। अब पढ़े लिखे दंपत्ति जो देश और समाज के लिए काम करने की जिनके अंदर इच्छा हो वो सब आ सकते हैं। ऐसा योग बना कि मैं उसी वर्ष दंपत्ति हुआ था। मेरी पत्नी लेक्चरार थी इंग्लिश की, हमने अपनी पत्नी से ही कहा, शादी के पहले ही शर्त रख दिया कि अगर शादी के बाद आप जंगलों में रहने के लिए तैयार हो और ग्राम विकास के लिए काम करने के लिए तैयार हो तो ये बंदा तत्पर है, नहीं तो हम तो सिंगल ही रहेंगे भैया। तो मेरी पत्नी तैयार हुई, हम दोनों वहां रहे, झरी, बटरी और दुधवार, तीन गांव में। और सुबह से निकलते थे हम, स्नान करके, भोजन भी गांव में करना, और तीन गांव के विकास के लिए हमने काम किया। गरीबी कैसे खत्म करना, बीमारी कैसे खत्म करना, बेरोजगारी कैसे खत्म करना, अशिक्षा कैसे खत्म करना, और विवाद, गरीबी, बीमारी, बेकारी, अशिक्षा और विवाद। नाना जी देशमुख ने हमसे कहा तुम दोनों को ये काम करना, इन गांव के पांच समस्याएं दूर करना है। कौन कौन सी? गरीबी, बीमारी, बेकारी, अशिक्षा और विवाद। और बदले में तुमको मैं 1500-1500 रुपए दूंगा। कितने दूंगा? कभी अगर भोजन नहीं मिला तो इस पैसे से भोजन लेके कर लेना, और एक साइकिल दिया था, पंचर हो गई तो बनवा लेना। तो हम ऐसे जो है तीन गांव में रहे, ईश्वर का योग ऐसा हुआ कि वास्तव मेरी साइकिल का भी पंचर नहीं हुई। और मैंने ये जब बड़े बड़े विषय पर काम किए, गरीबी, बीमारी, बेकारी, अशिक्षा, विवाद, क्योंकि दाना जी ने कई संस्थाएं, वहां विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उद्यमिता है, रोजगार के लिए आरोग्य धाम है, बीमारी के लिए, विवाद के लिए राम दर्शन है, रसशाला है, गौशाला, तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं खोल रखी है। वो सारी संस्थाओं के लोगों को हमने बुलाया भी कि आओ कैसे दूर करें। करते करते एक ही साल में मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि ये जो है, लोग अगर बाहर से आए और कहें हम तुमको मदद करेंगे तो कभी गांव के लोग खड़े ही नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। क्योंकि अगर किसी को बहुत अच्छी गाय दे दोगे और कहोगे बेटा इसको दू और पी और सो जा, तो धोके पी लेगा और फिर सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर दुएगा, फिर सो जाएगा। और जिस दिन गाय दूध देना बंद कर देगी तो उसको वापस जिसने दिया उसके यहां दे आएगा, कहेगा फिर नहीं गाय दे, अब ये दूध देना बंद कर दिए। लोग स्वावलंबी नहीं हो सकते। तो मेरे ध्यान में आया एक ही साल में कि स्वावलंबी बनाने के लिए एक ही काम किया जा सकता है, और वो काम है प्राकृतिक खेती। गांव में सबसे बड़ा उद्योग है तो कोई कृषि है, और वो कृषि को ठीक कर दिया जाए और उससे किसानों को बहुत आय होने लगे, और उसका उद्योग धंधे लगा ले, और उससे उद्योग धंधे से निकला हुआ खाए पिए, खुद खाए, बच्चों को खिलाए, मतलब अच्छी खेती करें, उससे धंधे खोले, फिर उससे जो खेती से हो रहा है, धंधे से जो हो रहा है, उससे खाए पिए धंधा करें, तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, उसकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, उसकी बीमारी भी दूर हो जाएगी, और अशिक्षा भी दूर हो जाएगी। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन,
उसकी दिमाग की, क्योंकि गरीबी दिमाग में होता, अशिक्षा दिमाग में है। मेरे गांव का अनपढ़ भी बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? वो दया है उसके अंदर, प्रेम है, सत्य है, करुणा है। कोई आएगा तो बैठाल के पानी पिलाएगा, लेकिन आज जो बड़े बड़े महानगरों में पढ़े लिखे हैं, क्या किसी को पानी पिलाएंगे बैठाल के? क्या दया है उनके अंदर, प्रेम है, करुणा है, ईश्वर की उपासना है क्या उसके अंदर? नहीं है। तो अशिक्षित कौन है? पढ़ा लिखा मॉडर्न कल्चर वाला कि मेरे गांव का अनपढ़? तो मैंने नाना जी को पत्र लिखा। पत्र क्या लिखा? कि नाना जी केवल प्राकृतिक खेती करवा दो, बाकी सारी संस्थाओं का सहयोग बंद कर दो, गांव खुद ब खुद स्वावलंबी हो जाएंगे, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है। पत्र लिखा मैंने, ऐसा क्या कहता है? मेरा अध्ययन कहता है। नाना जी ने कहा अपने अध्ययन को सिद्ध करो, जैसा करना है वैसा। तो फिर हमने, हम दोनों ने कहा नरसिंहपुर आए, क्योंकि नरसिंहपुर मेरी ससुराल है, वहां बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे मानते भी थे, मेरे गांव में तो मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? अरे ये तो अभी पढ़ लिख के गया, ये हमको क्या सिखाएगा, गांव का जोगी जोगड़ा होता है। ससुराल वाले बहुत मानते हैं। तो मैंने ससुराल को केंद्र बनाया, वहां एक गांव लिया खमरिया, उस गांव में 13 एकड़ जमीन ली लीज पे और खुद खेती करना शुरू किया, और 100 किसानों को जोड़ा और एक संस्था बनाई, प्राकृतिक खेती शोध संस्था नरसिंहपुर। क्या बनाई? जोर से बोलिए, प्राकृतिक खेती शोध संस्था नरसिंहपुर। क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था खेती कैसे करना है, जो चित्रकूट में सीखा उतना ही था, जो अध्ययन किया वृक्षायुर्वेद कृषि वल्ला पारासर उतना ही पता था, उससे आगे का पता नहीं था मुझे। तो ये बनाई, और हम सबका सौभाग्य है उस समय के 100 किसानों में एक किसान मेरे बीच में है, विजेंद्र चौधरी जी। ये उस समय के मेरे सहयोगी हैं, जब मैं पैदल चलता था, और कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे पास। ये उसके गवाह हैं कि हम कैसे पैदल चलते थे, और जा के नरसिंहपुर के किसानों को हमने खेती बताई कि ऐसे ऐसे करना है। बहुत से लोगों ने उसकी अवहेलना की, लेकिन जिन लोगों ने वो बात मानी आज वो लोग भारत ही नहीं दुनिया के जैविक खेती के ब्रांड हो गए, जिन लोगों ने बात मानी नरसिंहपुर के। और उन किसानों को वीडियो में दिखाऊंगा आपको, अभी देखिए कि कैसे उनकी मिट्टी मक्खन जैसी मुलायम हो गई, कैसे अब वो बोते हैं और कहीं और मेहमानी करने चले जाते, फसल बम्पर चिंता ही नहीं। मेरा एक नारा है खेती में, प्राकृतिक खेती में बोना और घर जाके सोना, बुद्धि लगाए काम किए कि गड़बड़ी होगी, क्योंकि मनुष्य में इतनी बुद्धि नहीं है कि ईश्वर के विज्ञान को समझ सके, उसके लिए अध्यात्म की जरूरत है। किसकी जरूरत है? ईश्वर उपासना की जरूरत है। जो अध्यात्म जानता है, ईश्वर उपासना जानता है, वही प्रकृति के विज्ञान को समझ सकता है, नहीं तो समझ ही नहीं सकते आप। मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने ये चेतना से इस अध्यात्म को महसूस किया है, उस पे जीता हूं, और उस बात को जिन्होंने मानी है, चाहे वो आमने सामने मानी या YouTube Facebook से मान ली, वो आज ब्रांड हैं। उनमें से बहुत से किसान यहां पर हैं। कितने किसान हैं जो प्राकृतिक खेती शोध संस्था की तकनीक से खेती करते? थोड़ा हाथ उठाइए जरा, एक मिनट, पूरा हाथ उठाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर 9, 10, 11, 12 लोग, ये 13, जोरदार 13 लोगों के लिए तालियां बजाइए जरा। अच्छा इधर पीछे भी है, ये वाह 14 वैशाली जी। और मैं गारंटी देता हूं, कोई व्यक्ति इस तकनीक से खेती करता है तो उसको जिंदगी में केवल एक काम करना है, बुवाई का, उसके अलावा कुछ काम नहीं करना, ना जोताई करना, ना निंदाई करना, ना गोड़ाई करना, ना खाद डालना, कुछ नहीं करना है, बोना है और घर जाके सोना है, कुछ काम नहीं करना उसको। काम कर रहा है मतलब गड़बड़ कर रहा है वो। क्यों? इसके लिए दो विज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। थोड़ा पानी की व्यवस्था कराना जरा। अमूमन जिस दिन लेक्चर होता है मैं खाना खाता भी और पानी भी नहीं पीता हूं, लेकिन ऐसा योग बन रहा है लगातार 2-3 दिन से कि मुझे खाना पीना, मैं आज भोजन तो नहीं किया फिर भी नाश्ता करना पड़ा, इसलिए मुझे पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो 3-4 दिन के लेक्चर में ना मैं खाना खाता हूं ना पानी पीता हूं, 4 दिन पूरे।
अभी झारखंड में ट्रेनिंग थी, उसके पहले जबलपुर में थी, झारखंड से सीधे जबलपुर आया, फिर जबलपुर से फिर इधर आना पड़ा। तो अभी हमको क्या है, ये खेती हमें करना है तो विषय को समझना पड़ेगा, दो विषय समझना पड़ेगा। पहला है प्रकृति का ऊर्जा विज्ञान और दूसरा है प्रकृति का जीवन विज्ञान। कौन सा विषय पहले बताएं जरा? अच्छा, कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने YouTube या Facebook में प्रकृति का ऊर्जा विज्ञान सुना है? थोड़ा हाथ उठाइए। सुना है हमने, चलिए सुना है। चलिए मैं दोनों विज्ञान को ऐसा क्रम से ही बताता हूं। प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है ये ऊर्जा के कारण हो रहा है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही ऊर्जा का ट्रांसफर है। आप मुझे देख पा रहे हो, ये भी ऊर्जा है। आप सुन पा रहे हैं, ये भी ऊर्जा के कारण है। आपको जो भी काम करना है ये आपकी ऊर्जा के कारण कर पाएंगे। ऊर्जा नहीं होगी तो कर पाएंगे क्या हम? हाँ कि ना? ऑब्वियसली ना, कुछ नहीं कर सकते, ताकत नहीं है। कितनी ताकत होनी चाहिए एक मनुष्य में? तो इतनी होना चाहिए कि बाजीराव पेशवा की तरह दोनों हाथ में तलवार लेके दिन भर चला सके। 40 युद्ध किया, कभी नहीं आ रहा। उन्हीं के वंशज हैं हम। हम कितनी देर लट्ठा घुमा सकते हैं? खोरे जी कितनी देर घुमा सकते हैं? 10 मिनट। क्या हो गया हमको? हम 10 मिनट लट्ठा घुमा सकते हैं। हमारे पूर्वज दिन भर तलवार घुमाते थे और सूर्योदय के साथ युद्ध करना पड़ता था तो सूखी रोटी खा के करते थे। 10 करोड़ एनर्जी थी उनके शरीर में, फिर 10 लाख हुई, फिर 1 लाख हुई, 50,000 हुई। सुबह से दो लोगों की एनर्जी नापा, मात्र 1200 है। कितनी है? क्योंकि 1200 एनर्जी हमारी मूलभूत एनर्जी है। अगर मनुष्य जिंदा है तो उससे नीचे नहीं हो सकता। और 1200 है तो चलना, बोलना, उठना, बैठना और दो लोगों का या 4 लोगों का भोजन बनाना केवल इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 4 से 5 हो जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, थक जाएंगे, एनर्जी खत्म हो गई, डाउन हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते। तो एनर्जी इतनी होना चाहिए पहले के लोगों में थी। रात में 10 बजे भी अगर दादी को बोला जाए 10 लोगों का खाना बनाओ तो उठ के बना लेगी, सिकन नहीं होगी। अब नहीं होगी क्योंकि एनर्जी नहीं है। दोष आज की बहू का नहीं, दोष दादी का भी नहीं है, दोष एक जीवन शैली का है। हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जो एनर्जी को घटाती हैं, ऐसी चीजें छू रहे हैं जो एनर्जी को घटाती हैं, ऐसी चीजें सूंघ रहे हैं जो एनर्जी को घटाती और तत्काल घटाती। क्यों? क्योंकि एनर्जी तत्काल काम करती है। उधर बटन दबाए बल्ब जल गया, बटन बंद किए बल्ब बंद हो गया। एक खटाक से बंद होना और जलना ये एनर्जी के कारण हो रहा है। क्योंकि एनर्जी के लेवल पे जाएंगे तो उसकी स्पीड हो जाती 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा, क्योंकि ये तो प्रकाश की स्पीड है। यदि आप अमेरिका में अपने किसी मित्र को फोन लगाते हैं, मेरे एक मित्र हैं अमोल जी, यहां पर हैं क्या अमोल पटेल जी? थोड़ा हाथ उठाइए जरा। अमोल जी हैं? अमोल जी तो अमोल जी हैं। 175 एकड़ में जैविक खेती शुरू कर दी है नासिक के प्रशिक्षण में, 2 साल पहले आए थे। इनके कई मित्र हैं फॉरेन में। अभी क्या होता है, आप अमेरिका में किसी मित्र को फोन लगाओगे तो उतना ही सेकंड में उसकी घंटी बजेगी जितना आपके पड़ोस में बैठे उनकी बजेगी। इतनी स्पीड है किसकी? एनर्जी की। आप गलत चीज छुए नहीं कि आपकी एनर्जी खट से घट जाएगी, गलत चीज सूंघे नहीं कि एनर्जी घट जाएगी, गलत चीज पकड़े नहीं कि एनर्जी घट जाएगी। तो ऐसे हम अपनी जिंदगी में 70 चीजें उपयोग कर रहे हैं जिनके खाने पीने छूने से ताकत तुरंत घटती है, तुरंत, इमीजिएट। और इसलिए हमारा लेवल 1200 में आके टिक गया। क्यों? इससे ज्यादा एनर्जी हमारा शरीर रखना ही बंद कर दिया। आपका जेब अगर छोटा हो जाए, कितना हो जाए कि उसमें हम केवल 2 रुपए रख सकते हैं चिल्लर,
कितने रख सकते हैं? 2 रुपए, और सारा मनी भी चिल्लर में ही मिले तो आपको फिर कोई पैसा देना देगा क्या? मिलेगा भी तो रख ही नहीं पाएंगे, और आपकी जिंदगी भी 2 रुपए में चल जाएगी, तो आप ज्यादा पैसे की लालसा रखोगे क्या? ऐसा ही यदि किसी रिजर्व, कोई गाड़ी रिजर्व में चलती हो, ईश्वर से वरदान बन जाए कि इसका रिजर्व कभी खत्म नहीं होगा, तो उसमें कोई पेट्रोल भराएगा क्या? वैसे ही आज का इंसान हो गया, 1200 में जिंदगी चल रही है, इसलिए हम अपने आप को क्या समझ लिए कि इतना ही जिंदगी है, अब इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं। अरे पैसा तो 2 रुपए में चल जाएगा, एनर्जी की बहुत जरूरत है, कभी युद्ध का मौका आ गया तो ज्यादा चाहिए। तो वापस मैं ऊर्जा विज्ञान पे, मैंने अभी ऊर्जा विज्ञान नहीं बताया, मैंने बताया ऊर्जा विज्ञान का हमारे घरों का दोष, हमारी जीवन शैली में 70 निगेटिव प्रोडक्ट हैं। कितने प्रोडक्ट हैं? जोर से बोलिए, 70। अरे पेड़ पौधे ये सब दिख रहे हैं अभी निगेटिव, अभी प्रयोग कराता हूं, लाना पत्ती तोड़ के दिखाऊंगा कैसे ये जो है निगेटिव है। बस जो यहां व्यक्ति आएगा जूते मोजे उतार के आना, मोजे कम से कम उतार के तो आना ही। अभी प्रयोग कराता हूं कैसे ये आपकी ताकत घटाते हैं, आइए आ जाइए दौड़ के। एक अच्छा अच्छी वाली पत्ती भी लाओ, खराब खराब पत्ती तो ले आए, ले आओ ये, हाँ अच्छी, बस हो गया, ज्यादा मत तोड़ो उतना ही हो जाए। अच्छी वाली कोई पत्ती है तुम्हारे पास? कोई भी अच्छी पत्ती है तो सब निगेटिव है, आ जाओ। ये आप देखो, क्या नाम आपका? रूपेश पात्री, सामने आइए जरा, हाँ इधर मेरे बाजू में, चलिए इनको प्रयोग दिखाता हूँ। रुपेश जी को, रुपेश जी दीजिए ये पत्ती, ये भी पत्ती दे दो, ये सब एक ही पत्ती है। हाँ अच्छा वाला पौधे का कोई ले आओ, उधर भी सब तो निगेटिव निगेटिव दिख रहा है, सारी निगेटिव है। ये रुपेश जी को हम जो है इनकी ताकत पहले हम नापते हैं, ठीक है? पूरी ताकत लगा के रुपेश जी मेरी ताकत को रोको, ये मैंने लगाया और रुपेश जी के पास जबरदस्त ताकत है, इनके पास 50,000 से ऊपर है, जोरदार ताकत रुके रुपेश जी के लिए 50,000 से 1,00,000। और ये पत्ती तोड़ के ले आए रुपेश जी, कहाँ रख दिया मैंने? हाँ अच्छी पत्ती या कुछ यहाँ पर होंगे तो कुछ चीजें, ये लो ये रख दो, इसको तो छोड़ो, हैं ड्राई पत्ती चलेगी, दौड़ के लाओ। लेकिन अभी हमें देखो रुपेश जी के ये पत्तियां, ये सब ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत खतरनाक है, कोई खा ले तो बेहोश हो जाएगा, मर भी सकता है। देखो ये कैसे जो है, ये हमने इनको यहाँ यहाँ रखना, क्योंकि एनर्जी के अप डाउन का केंद्र है, और ये इन्होंने रुपेश जी वैसी ताकत लगाए हैं, रुपेश जी मेरे से मिले हुए नहीं हैं, ताकत लगाए हैं पर लगा नहीं पा रहे, ताकत खत्म हो गई रुपेश जी की, क्योंकि ये प्लांट निगेटिव है, आपके पड़ोस में रखा है, इसके नीचे कोई बैठ जाए ना तो 20 मिनट बाद उसका जो है ना मेंटल, मतलब अच्छा नहीं लगता उसको, ऐसा लगेगा कि उल्टी मतली जैसे। और ये इन्होंने दूसरी पत्तियां लेके आई हुई है, मेरे ख्याल से अंबाड़ी है, वाह अंबाड़ी लेके आए, इसको तो देसी कोका कोला बोला जाता है, देसी कोका कोला। अभी इन्होंने पकड़ा है, और इनकी ताकत जितनी थी अभी उससे बढ़ चुकी है ताकत, ये देखो पूरी बढ़ गई है, बढ़ गई ताकत। ये पकड़ो फिर से, कहाँ गया वो? हाँ ये नीचे, ये है, आप ये कोई भी कर सकते प्रयोग, मैं ही नहीं आप भी कर सकते, बस क्या है ताकत झटके में मत लगाना। हम 2 किलो अगर कुछ भी तोलेंगे, बटा टमाटर, तो झटके में डालते हैं एक साथ, धीरे से लगाना ताकि इनको मौका मिले, कोई भी कर सकता है, सार्वभौमिक है, मैं और इनके ही नहीं है। आप ऐसा करके एनर्जी नापिए हर चीज की, आपकी आलू भट्टे की नापिए, सुबह अंगूर खिला रहे थे वो भी निगेटिव थे, निगेटिव, कोई ताकत नहीं। और कोई अजमाना चाहे तो दूसरी चीज ले आना, नमक शक्कर रखा है क्या यहाँ पर, ले आइए, आइए फटाफट दौड़ के आते जाओ, जिन जिन को एनर्जी चेक कर रहे हैं रखते जाओ ऐसा, आइए। क्या नाम आपका? संजीव चौधरी। संजीव जी आइए, ऐसे आइए संजीव जी, यहाँ पास आओ, मेरे को थोड़ा इसमें रहना है, हाँ ऐसे आओ। संजीव जी अपनी ताकत लगा रहे हैं और रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल 100% रोक लिए, 100% रोक लिए, इनके पास भी जोरदार एनर्जी, जोरदार संजीव जी के लिए तालियां। और संजीव जी को हम जो है शक्कर खाते हो आप? खाते हो? ये थोड़ा शक्कर खा लो, ये शक्कर है भैया, वही शक्कर जो आप रोज खाते हो,
हम इतना सा खिला दे रहे हैं, इतना तो खा, इतना शक्कर खाए हो ना, चाय में इससे ज्यादा ही लेते होंगे, खा लो जरा सही। गुड़ है किसी के पास? जैविक गुड़, जैविक गुड़ लेते आओ, तुरंत प्रयोग कराएंगे, पर इनके लिए थोड़ा पानी भी, हाँ दौड़ के लेके आइए। और ये जो है संजीव जी की ताकत खत्म हो गई, नहीं बची कुछ ताकत, लगाओ संजीव जी ताकत, लगाओ ताकत, कुछ नहीं इनके पास, ताकत ही नहीं है। ताकत क्या नहीं है? नहीं है। क्या खाया आपने? शक्कर, शक्कर खाया। दिन में कितने बार हम शक्कर खाते हैं और चाय में पीते हैं? शक्कर खुद में नुकसान है, चाय तो उसका पर्दादा है, मतलब बहुत नुकसानदायक है। जिंदगी में स्वस्थ रहना है, दो निशानी है, जबरदस्त भूख लगे, जबरदस्त नींद आए, चाय दोनों को खत्म कर देती है। अब हम इनको गुड़ खिलाते हैं, इससे पानी पी लो आप जरा। चलिए ठीक है, आप वापस चले जाइए, आप कहाँ, ये गुड़ आया है ठीक है। अब हम ये जैविक गुड़ किसका है? अविनाश जी का। अविनाश जी लिए जोरदार तालियां बजाइए, हमारे जैविक किसान है। और ये मेरे यूट्यूब वाले किसान है, मेरे ट्रेनिंग लेने आज तक नहीं आए, एकलव्य जैसे हो गए हैं। ये आप ये गुड़ खाइए। और अभी देखते हैं, अब ये गुड़ खाए इनकी ताकत बढ़ी कि घटी, और इनकी ताकत अभी बढ़ी हुई है, ये देखो क्या ताकत बढ़ी, क्या बड़ी, बड़ी। बताओ, शक्कर खाने से घट गई, गुड़ खाने से बढ़ गई? ये मतलब मैं वहाँ बैठे बैठे जब से सोच रहा था कि यार हो सकता है कुछ न कुछ हो, मैं एक बार खुद को ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है जब तक मेरे को कोई प्रूफ नहीं कर देता है तब तक मैं उसको भगवान भी नहीं मानता। तो ये इन्होंने वाकई में, मैं जब आके यहाँ, नहीं मतलब मैं गुरु जी, तो इन्होंने जो वाकई में किया, शक्कर जब मैंने खाया, मैंने पूरी ताकत से इनको जो है रोकने की कोशिश किया, लेकिन मेरा हाथ नीचे गया। जब मैंने गुड़ खाया तो उसके पहले जो पोजीशन थी मेरी, उससे ज़्यादा इन्होंने मुझ पर प्रेशर लगाया और मेरा हाथ जो है वो इतना ही नीचे आ पाया, उससे वो नीचे नहीं गया, मतलब उसमें वाकई में रिजल्ट्स थे। ठीक, थैंक यू। क्या नाम आपका? विश्वा। इनके लिए एक स्टील के लोटे में पानी वगैरह ला सकते हो? विश्वा जी को हम, इन्होंने इस पर ही करते हैं, रुक जाओ जरा। ये विश्वा जी की ताकत बहुत जबरदस्त है और इनकी ताकत, इनकी भी जोरदार है ठीक है। ये पहनते हैं, इसको उतारो जरा। अब मैं आपको इसको दो ना, इसी पर प्रयोग दिखाता हूँ इनको ठीक है। एनर्जी का अप डाउन होता है आँख का, नाक, मुंह, ये हमारी गदेली से और पैर से, गुदा से, इतनी जगह है जहाँ से एनर्जी जाती और आती है। जैसे अपन को करंट चाहिए तो करंट वाली जगह पे टच करेंगे तब तो बिजली आएगी जाएगी। तो अभी मैं करंट वाली जगह पर टिक करा रहा हूँ, ये पहन के घूमते हैं ना, ये देखो, ये हमने टच कर दिया और इसको मुट्ठी बांध के पकड़ लो, वैसे ही पकड़ लो। क्या नाम आपका? विश्वा। विश्वा जी, और विश्वा जी की ताकत अभी खत्म हो गई, नहीं है ताकत। लगाओ ताकत जी, हाँ लगा रहे हैं, फिजिकल ताकत लगा रहे हैं बहुत, पर नहीं है ताकत। घटी कि नहीं घटी? घट गई। अभी ये कुछ के बाद तांबा है क्या? तांबा, कांसा, ये पकड़ाते हैं। तांबा है किसी के पास? चलिए हम कुछ और पकड़ाते हैं। हाँ रिंग चलेगी, रिंग दे दो। ये तांबा पकड़ाते हैं ठीक है, और ये वैसे ही जो है तांबा, ये पकड़े हैं ऐसे ही, ऐसा ऐसा पकड़ते हैं ये ठीक है। हाँ, और देखते हैं विश्वा जी की ताकत, और जबरदस्त ताकत है अभी भाई, जबरदस्त ताकत है अभी बढ़ी लगी है। और ये पकड़ो कोई भी, हाँ वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, हाँ पकड़ो। और ये विश्वा जी की ताकत खत्म हो गई, लगाओ ताकत विश्वा जी, बची कुछ? ये लगा रहे हैं पर बचे ही नहीं कुछ ताकत। तो अभी बताओ ये अच्छा है कि ये अच्छा है? क्या अच्छा है? इसके साथ करेंगे? हाँ इसके, वाह वो दो, वो वाला दो, ये पकड़ के नहीं बन रहा, दो बड़ा वाला, हाँ इसको छोड़ दो, ये हो गया, उसको ऐसे पकड़ना ठीक है। और ये ताकत लगा लो पूरा विश्वा जी, मैं भी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, ये देखो क्या बोल रहे हो, क्या ताकत बढ़ाई है क्या घटाई है, इसने बढ़ाया कि घटाया? घटाया। और इसने बढ़ाया। क्या पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए ऑफिसली, क्या पहनना चाहिए? तांबा पहनना चाहिए या इसी का कड़ा पहनना चाहिए? दैट्स इट, इतना ही था ठीक है। आप सेटिस्फाई नहीं हुए क्या? मुझे अभी समझ में नहीं आया। अच्छा ये बताओ ये पकड़े ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी, इस
इससे कम हुई था तो बताएं। इससे कम हुई है और इससे समझ में कम नहीं हुई, कम तो नहीं हुई, कम नहीं हुई, कम नहीं हुई ना। एक काम करो, स्टील के ग्लास में या लोटे में पानी लेके आओ, ये मैं पानी दे रहा हूँ। और तांबे का, तांबे का भी है या मिट्टी का है क्या मेरे पास? हाँ मिट्टी का ले आए, चलो मैं दिखाता हूँ विश्वास जी को। फिर से देखो, अभी विश्वास जी की ताकत अभी बहुत अच्छी, ये देखो बढ़िया ताकत है इनकी। घटी ताकत विश्वास जी? नहीं घटी, ठीक है बात कर लो, नहीं घटी ना ताकत। अभी देखो आप इससे पानी पीजिए, एक लोटा ऊपर से। प्यास लगी और पी लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी और एक बार पिलाएंगे। अभी तो पानी पीने के बाद किसी की ताकत बढ़ती है कि घटती है? ए? और इनकी ताकत घट गई है, लगाओ ताकत विश्वास जी, लगाओ। ये विश्वास नहीं हो रहा इनको, विश्वास जी को, पर ताकत कुछ नहीं है अभी इनके पास, लगाओ। कुछ ताकत नहीं है, मैं थोड़ी सी ताकत लगा रहा हूँ, घटी कि नहीं घटी? अब आपको हम जो है मिट्टी के लोटे से पानी पिलाते, पी लो एक बार और पी लो, बस हो गया, चलो पी लो। अभी देखो हमने इनसे पानी पिलाया, मिट्टी के लोटे से पिलाया, ठीक है, और ये ताकत इनकी जितनी थी उसका है और ये बढ़ भी गई है। अभी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अभी भी कह रहे लग रही है, लग तो रही है पर समझ में नहीं आ रही। समझ में अभी क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा? इसको छुपानी पिए तो घटी थी कि नहीं घटी थी? घटी थी। तो मिट्टी में पीना चाहिए या तांबे पीतल में पीना चाहिए, स्टील में पीना चाहिए? मिट्टी में। ये तो मानते हो आप इसलिए? चलिए ठीक है, जाइए इतना ही। आपका वो ले जाओ, आपका कड़ा ये लो, ये भी ले जाओ, ये भी दे दो। क्या होता है, आज की शिक्षा पद्धति ने दिमाग में ठूस दिया है, अब उसको जाने में एकाएक भरोसा नहीं हो रहा है। हमारे पूर्वज जानते थे कि स्टील नुकसानदायक, इसलिए बनाया ही नहीं, ना बांस ना बांसुरी। तांबा पीतल कांसा जिंक और पारा बना सकते हैं, जो जिंक बना सकते हैं वो पूर्वज। स्टील बनाना उनके लिए बाएं हाथ का काम था, पर बनाया ही नहीं। क्यों नहीं बनाया? स्टील निगेटिव होता है, और नहीं तो घर जाना, दो फल लेना, एक को स्टील की चाकू में काट के खाना फिक्का लगेगा, एक को लोहे की चाकू में काट के खाना मीठा लगेगा। आप तय करिए आपको फिक्का खाना है कि मीठा खाना है। ये ऊर्जा विज्ञान है, और ऊर्जा विज्ञान में यही रिजल्ट आते हैं। ऊर्जा विज्ञान बताने में 5 घंटे लेता हूं मैं कि ऊर्जा क्या है। हमारे सोनी जी बैठे हैं, एक नहीं दो नहीं तीन ट्रेनिंग कराए, और आज जो लेक्चर सुन रहे हैं वो नया होगा। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? थोड़ा नया होगा। तीन तीन ट्रेनिंग करवाए, तीन तीन। अभी देखिए एक दो प्रयोग और कराता हूँ क्योंकि समय हो रहा है। नमक है, आ जाओ जिसको और करना हो। सेंधा नमक है, ठीक है। चलिए देवाशीष जी, ये चप्पल पहन के आए, रुको चप्पल ही का प्रयोग कराता हूँ, चप्पल उतारो। ये चप्पल पहन के आए हैं, ये प्लास्टिक के चप्पलें क्या करती है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। और देवाशीष जी ने ताकत लगाई है, थोड़ी ताकत कम है पर रोक ली यहाँ जाके, रोक ली देवाशीष जी ये चप्पल पहनने वाले। और देवाशीष जी लगाए हैं ताकत पर अभी खत्म है, कुछ नहीं इनकी तो उंगली में, क्योंकि शुरू से एनर्जी कम है इनमें। इनके पास लगभग 10 से 12, मतलब इनके पास 2 से 2500 एनर्जी है, तो चप्पल पहनते ही खत्म हो गई उंगली से दबा दूँ मैं, बच्ची के ताकत देवाशीष। अब जरा ये मेरे चप्पल पहनो, प्लास्टिक के चप्पल इतने खतरनाक हैं कि महिलाओं में जो डार्क सर्कल आया है वो प्लास्टिक के चप्पलों के कारण है। केवल चप्पल हटा दें महिलाएं तो डार्क सर्कल उनका ठीक हो जाएगा। अभी ताकत घटी तो नहीं, लेकिन नहीं बढ़ी नहीं, लेकिन घटी भी नहीं। घटी क्या? हमारे चप्पल में कोई दे दो। तो ऐसे प्लास्टिक के ये हमारे एनर्जी के बहुत बड़े, जितने हमारे दांत साफ रहते ना उतने साफ हमारे चप्पल होना चाहिए। हाँ ये चमड़े की है। हाँ पशुवध नहीं होना चाहिए, लेकिन मरा हुआ पशु कहाँ जाएगा, वो जीवन के काम का है, वो अगला विषय बताएंगे कभी उस पर। अभी इतना समझिए कि प्लास्टिक नुकसान करता है, नहीं तो कपड़े के चप्पल पहनिए कॉटन के। इवन मोजे बहुत खतरनाक हैं, जितने मोजे, अभी एक पत्रकार पीछे बैठे थे, अच्छी ताकत थी, मोजा पहने ताकत खत्म हो गई। ये जितने मोजे आते नाइलॉन के आते, मोजे तत्काल हटाओ।
नहीं तो ये बचना नहीं है, आप सबको कहीं ना कहीं या तो रोग प्रतिरोध क्षमता घट जाएगी या कैंसर होगा। आप जैविक खाओ, प्लास्टिक का पहनोगे और प्लास्टिक के कप यूज करोगे तो भी कैंसर होगा। और इतना ही नहीं, आप जो है सल्फ्यूरिक एसिड वाला मंजन करोगे, किसी के पास पेस्ट हो तो बता रहा हूं कि ये एनर्जी भी खत्म करती है और कैंसर कारक भी है। ये प्लास्टिक के टूथपेस्ट जो आते हैं ये कैंसर होगा। जैविक किसान भी सुन लो, अगर आपने टूथपेस्ट यूज किया किसी भी कंपनी का, सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें, ये निगेटिव तो होते हैं, जहर के भी कारण होते हैं। कैंसर से कोई नहीं बचेगा, आज नहीं तो कल होगा। हाँ, आपको भी करना है कुछ प्रयोग, दौड़ के आइए, तो मोजे उतार के आइए, जूते मोजे, ठीक है। ऐसे ही सफेद नमक, हाँ चलो आप भी आ जाओ, दो लोग आ जाओ, बस हो गया। सफेद नमक नुकसानदायक है, ठीक है। वो कुछ भी करो, कोई भी ऐसा नमक है, चाहे वो आयोडाइज्ड हो, चाहे कहीं का हो, चाहे पतंजलि हो, किसी भी कंपनी का हो, जो दो चक्की से पीसे हैं, इवन सेंधा नमक भी जो दो चक्की से पीसे ऐसी चलती, वो भी निगेटिव हो जाता है। क्यों होता है, उसके लिए आप YouTube में देखिए या मेरे किसी लेक्चर में आना कि ये निगेटिव क्यों हो जाते हैं। और ताकत इनमें शुरुआत से ही कम है, मेरी हाथ को रोक नहीं पा रहे हैं, तो इनमें ये जांच नहीं जा सकता क्योंकि रोक ही नहीं पा रहे हैं। अभी कैसे करेंगे, रोक पा रहे हो क्या? नहीं रोक पा रहे हो तो आपको थोड़ा स्टेमिना तो बढ़ानी पड़ेगी, या कुछ ऐसी चीज है आपके पास जो है, अभी तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। वो उससे उतना होता नहीं, इनका स्टेम नहीं है। मोबाइल केवल निकालिए, मोबाइल तो निकाल दिया सर। हाँ चलिए, ये थोड़ा हाथ में रखिए जरा, नमक, अभी आपको समझ में जाएगा ये, ठीक है। हाँ लगाइए, ये अभी क्या हो, तो पहले भी नहीं रोक रहा था, अभी भी नहीं रोक रहा था। हाँ सर्वाइकल है, दर्द है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, इधर आ जाइए, ठीक है भैया, आपको हाथ का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आइए आप, चलो हमारा सर इसमें प्रॉब्लम, हाँ चलो इसी में करते हैं, जिसमें नहीं उसी में करते हैं। रोको लगाता था, रोको, क्या नाम आपका? शैलेंद्र जी का बिल्कुल रोक लिया, जोरदार इनके लिए तालियां। नमक खाते सबको खाते अच्छा, ये भी एक महीने शुरू किया, पहले खाए हो? हाँ ठीक है, अभी शुरुआत किए हैं, थोड़ा सा ये हाथ में रख लो, ठीक है। इतना सा नमक इन्हें सफ़ेद हाथ में रखा है, ये मुट्ठी बंद करिए। ये सफ़ेद नमक भी जो रिफाइंड होता है वो बहुत खतरनाक होता है, सब ताकत घटा देता है। और शैलेंद्र जी नाम आपका, ख़त्म हो गई शैलेंद्र जी? हाँ रखाए ना, लगाए ना, लगाए तो अभी आए क्या? ठीक है, ये दूसरा वो नमक दीजिए, हाँ ये रखिए, वापस डाल दीजिए इसमें, इसमें डाल दीजिए, थोड़ा इसको चढ़ाइए। ये नमक हम इनको पकड़ाते हैं, असल में आप जो है बाद में आए हो, ये देखो हम ये सेंधा नमक इनको पकड़ाते हैं, ठीक नफेट से, चलिए शैलेंद्र जी ना, और शैलेंद्र जी की ताकत अभी जितनी थी उससे बढ़ चुकी है। शैलेंद्र जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई ताकत, बताओ जरा, बढ़ी बताइए, ताकत बढ़ गई है काफ़ी। और ये समुद्री नमक का अच्छा है, सॉल्ट, रॉक सॉल्ट नमक से, ठीक है जाइए, बहुत अच्छा, बता नहीं पाए, रॉक सॉल्ट से इनकी ताकत दुगनी हो गई थी। और रॉक सॉल्ट में 87 मिनरल्स होते हैं, कितने? 87। तो हम रॉक सॉल्ट खाएंगे तो सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन जिंक निकल बोरान ये सब मिलेगा, 87 मिनरल्स, और एनर्जी भी बढ़ेगी। और वो सफेद नमक खाएंगे तो उसमें सोडियम और 2-3 मिनरल्स है और एनर्जी घटेगी। आप तय करिए आपको क्या खाना है, सफेद नमक खाना है चाहे वो टाटा का हो, बिड़ला का हो, अन्नपूर्णा, कुछ भी हो, अगर वो जो है वो फिल्टर, मतलब वो क्या बोलते हैं, रिफाइंड है तो वो नुकसानदायक है, चाहे अच्छे संत ने भी दिया हो तो भी नुकसानदायक, ये बता देता हूं मैं। तो हमको तय करना है हमको क्या खाना है। ये विज्ञान जब समझ में आया तो मैंने मनुष्यों पर कम पौधों पर प्रयोग शुरू किया और मुझे यूं रिजल्ट मिले। आप ताराचंद बेल जी यूट्यूब में लिखिए, 150 से ज्यादा वीडियोस हैं मेरी, 150, और हर वीडियो में बम्पर फसल दिखेगी। किसान सब बात नहीं मानता था, एक बात बता के चला आता था और उस एक बात से भी रिजल्ट मिला उनको।
क्योंकि निगेटिविटी से बचे कि आप ये बताओ, आपकी ताकत ना घटे तो आप ऑटोमेटिक शक्तिशाली हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आप राणा सांगा, महाराणा प्रताप और बाजीराव पेशवा के वंशज हो, आपके जेनेटिक कैरेक्टर में ताकत है 1 करोड़ की, बस आप निगेटिव खा करके पी करके और कपड़े पहन करके नुकसान कर लिए। आप जिंदगी में बताओगे एकदम से कम घर में स्टील तो हटा देना, तांबा पीतल कांसा मिट्टी का ले आना, कम से कम सफेद नमक बाजार का तेल हटा देना। मैं शक्कर की उतनी बात नहीं कर रहा हूं, पर शक्कर भी यहां पर आपको गुड़ जो है ना वो रवेदार मिलेगा, जिसको खांड बोलते हैं। किसके पास है हाथ उठाओ जरा, इनके लोगों के पास है, इनसे ले लो, जैविक है कम से कम। और चप्पल हटा देना प्लास्टिक के, महिलाएं विशेषकर सिंथेटिक साड़ियां हटा दें, आप कॉटन की हरी साड़ी पहनना, क्योंकि हर महिला को अभी बहुत ज्यादा दिक्कत है वात की और गर्भाशय में दिक्कत है, आप हरी साड़ी पहनना, जैविक हरा कलर का पैंट लगाना, जैविक हरा कलर का होठों में लगाने वाला क्या बोलते हैं उसको, लिपस्टिक लगाना, जैविक वाला। उधर एक मैडम लाई है, मैं लेके आया हूं अभी उधर 3-4 अपनी पत्नी को, हमने कहा गिफ्ट करूं भाई, हम हमारे गांव में भी बनवाते हैं ये सब। मैंने शुद्ध गांव की, मेरे गांव में बालाघाट में 70 समूह को मैंने कलेक्टर से कहा, सबको पैसे मिल गए, वो सब ये बनाने शुरू कर रहे हैं अभी हर चीज का। इवन हमने जो है गोबर के चप्पल जूते बनाने शुरू कर दिए, वो गुंजा जानते हो, रत्ती, लाल छोटा छोटा फल होता है जिससे सोना चांदी तोलते थे, उसके कान के कुंडल बनाए हैं, कोई पहन ले तो उसका दिमाग खराब होगा वो ठीक हो जाएगा, स्ट्रेस दूर करता है वो। गोबर के कुंडल बनाए, कोई पहन ले तो वो स्क्रैच नहीं आएंगे, वो सुबह चमड़े में जो आते हैं क्या बोलते हैं उसको, झुर्रियाँ नहीं आएंगी। अब कौन महिलाएं चाहेंगे झुर्रियाँ ना आए, तो हम गोबर के जो है मालाएं बना रहे हैं, गोबर के कुंडल बना रहे हैं। तो ऐसे सब सारी चीजें मेरे गांव में बना रहे हैं, और हमसे जुड़े हुए जितने किसान कंपनियां उनको भी बोल रहा हूं कि आप उसमें बनाओ, ये आप ऑर्गेनिक फूड बनाओ और ऊर्जा वाला बनाओ। अभी मैंने ऑर्गेनिक फूड आया है, जाचा है, कुछ में ऊर्जा है कुछ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊर्जा बढ़ाने का किसान को किसी ने विज्ञान आज तक बताया ही नहीं कि एनर्जी बढ़ाने का बताए क्या। अभी मैं 3 दिन पहले झारखंड में था, वहां पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप चल रहा है, ये गोला फेंक बाला फेंक कबड्डी का, पत्रकार नहीं आ रहे थे, पर जो आयोजक था बहुत रसूखदार था तो आ गए कुछ पत्रकार, आए थे 20 मिनट के लिए, रुके 2 घंटे ये प्रयोग देखने, वो खेत भी गए, जो जैविक खेत था उस खेत में भी ऊर्जा विज्ञान का प्रयोग नहीं हुआ, तो मिट्टी पकड़े, ताकत खत्म, उस किसान की खेत में बीमारी थी। मैं बीमारी देखते ही बताए तुम्हारा खेत निगेटिव है, और मिट्टी को हाथ में रखिए, हाथ से किसी को दबाइए, ताकत खत्म, मिट्टी निगेटिव है, निगेटिव मिट्टी में कितना ही सर पटक ले, किसान जैविक करे, प्राकृतिक खेती करे, सफल होने की संभावना नहीं है। कहीं बीमारी आएगी, कहीं जड़ सड़ जाएंगे, कहीं फसल में ताकत नहीं रहेगी तो बाली नहीं निकलेगी, बाली निकली तो दाने नहीं बनेंगे। भी 3 बार मिट्टी में स्प्रे कर दो या बहते हुए पानी में अग्निहोत्र भस्म डाल लो, मिट्टी पॉजिटिव। रासायनिक खेती होगी तो भी प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, और जैविक खेती होगी तो बहुत अच्छा मिलेगा। कितना ग्राम भस्म लगना है? 50 ग्राम। करना क्या है? 2-2 मिनट का हवन है सुबह शाम, 1 अग्निहोत्र का पात्र चाहिए, 1 कंडे चाहिए, ठीक है, ले आओ पात्र कंडे सब यहां सामने जमाओ, 2 मिनट का काम है चलते फिरते, और ये पूरा विज्ञान है, अधर्म नहीं है। जो करेगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी, जो नहीं करेगा उसकी एनर्जी घटेगी, और आपका जो मोबाइल फोन है जो हाथ में रखते हो उसमें अग्निहोत्र भस्म और गाय का गोबर का कंडा एक पॉलिथीन में भर के आप पीछे चिपका लो, आपका मोबाइल का रेडिएशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां सामने बैठ के ये इन्होंने बच्चों ने रेडिएशन भी बनाया है, कोई फोन लेके आए तो मैं रेडिएशन का प्रयोग भी दिखाता हूं। फटाफट पात्र निकालो, जमाओ। पात्र कौन सा चाहिए? अभी मैंने बताया नकारात्मक ऊर्जा, और सुनिए, नकारात्मक ऊर्जा केवल पदार्थ नहीं होता, मन भी नकारात्मक होता है, बुद्धि भी नकारात्मक होती है। 2 व्यक्ति आओ जिनको मन और बुद्धि का प्रयोग कराऊं मैं, कि मन भी कैसे नकारात्मक होता है,
दो व्यक्ति आइए दौड़ के, हाँ ऊपर आओ, आ जाओ आ जाओ, हाँ बाकी दो वहीं खड़े रहो, आप आइए इधर, दो व्यक्ति वहीं खड़े रहिए। क्या नाम आपका? जुगराज। क्या नाम है? जुगराज। जुगराज आइए जी। बाबूजी आए हैं देखते पुराने खाए पिए कितनी ताकत रखते हैं, और जुगराज जी की मैंने ये हाथ ये किया, रोक लिए जुगराज जी, लेकिन काफी हद तक रोक लिए। एक बार मेरे लिए एक छोटा सा झूठ बोल दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है? सार्वजनिक मैं बोल रहा हूँ इसलिए, ठीक है? ठीक, जोर से बोलो। आपका असली नाम क्या है? जुगराज बालोद। जुगराज बालोद है। एक बार जरा इन सबको बोल दो, एक झूठ बोल दो, मेरा नाम रामराज है। जो बोलो जोर से, नहीं बोल मेरा पाएं? नहीं बोलूं, नहीं बोल पाएंगे। चलो आप उधर जाइए, आपको दूसरा प्रयोग कराता हूं। आइए, जो एक झूठ बोल सकता है थोड़ी देर के लिए। हाँ ये देखो, हमने इनने पूरी ताकत रोक ली है। क्या नाम आपका? रुपेश। रुपेश जी, इनका नाम रुपेश है, ठीक है जी? रुपेश जी आप एक बार बोलो मेरा नाम महेश है। मेरा नाम महेश है। देखिए इन्होंने बोला, ईमानदारी से झूठ बोला है, सबके सामने बोला है, मेरे कहने पे बोला, और इनकी ताकत खत्म हो गई है, कुछ ताकत नहीं बची है। बची ताकत? बिल्कुल नहीं। अपना असली नाम बताओ। रुपेश पात्रिकर। मैं माफी चाहता हूँ, ये बोला। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने इस प्रयोग के लिए झूठ बोला। हाँ ठीक है, वापस आपने सही नाम बोला है, और इनकी ताकत जितनी थी अभी ये ताकत लौट गई है। क्या बोल रहे हैं रुपेश जी? सही है, अनुभव है। गांव का नाम क्या है? बालाजीपुरम। बालाजीपुरम बैतूल। बालाजीपुरम गांव का नाम है? बैतूल बाजार को आजकल बालाजीपुरम बोलते हैं। बैतूल बाजार नाम? बैतूल जिले के पास। हाँ आप बोलो, मेरे गांव का नाम इंदौर है। बोलो मेरे गांव का नाम इंदौर है। फिर से झूठ बोला है इन्होंने, है ना? और इनकी ताकत ये देखो, अभी कुछ नहीं है, कोई ताकत नहीं, लगा भी नहीं रहा ताकत। लगाओ ताकत, असली गांव का नाम बताओ। ताकत लगी नहीं रही, कहां से लगाएंगे? बोलो। मेरे गांव का नाम बालाजीपुरम है, जिसको पहले बैतूल बाजार कहते थे। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे प्रयोग के लिए इंदौर बोल रहा हूँ। अभी देखो, और इनकी जो ताकत है वो वापस आ गई है ताकत। क्या बोल रहे हो? सही है, अनुभव बिल्कुल सही है कि जब मैंने बोला। से सामने वाले का कितना नुकसान होता है पता नहीं। आपकी एनर्जी तो अब भी खत्म हो गई, अभी। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे झूठ नहीं बोलना, ठीक है? अब चाहे धंधे के लिए झूठ बोलो, चाहे गुरु जी के कहने पे झूठ बोलो, झूठ बोले ताकत खत्म, झूठ बोले कौआ काटे वाली, बिल्कुल 100%। ठीक है रुपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अब भी आप आइए, अभी रुक जाओ। क्या नाम आपका? बाबूलाल अग्रवाल। बाबूलाल अग्रवाल। अग्रवाल बाबूलाल जी मोजे पहन के आए हैं, और मोजे रुकिए जरा, मोजे में ताकत रहती नहीं, लगाओ लगाओ ताकत। हाँ, और मोजे में ताकत कुछ रहती नहीं है, क्योंकि सब जो है मोजे निगेटिव रहते हैं, ये लगा रहे हैं सब तरह से ताकत। लगा लो ताकत जोर, कितने बाजुए 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 कातिल में लगा रहे जोरदार, ऐसे ऐसे करके कुछ ताकत नहीं है। निकालो जरा, अरे यही निकाल लो, और इनकी ताकत जो जितनी थी वो अभी थोड़ी थोड़ी तो लौट चुकी है, काफी ताकत लौट रही है। हाँ लगाओ ताकत, जब ही लगा रहे थे अभी थोड़ा सा लगा रहे तो भी थोड़ी ताकत बची आपकी, बड़ी है। मोजे पर पैर खड़े हो जाओ जरा, एक बार मोजे ऐसे रख के रखो, ऐसे मोजे दोनों हाथ नहीं, दोनों हाथ ऐसे करो। हाँ खड़े हो जाओ उनके ऊपर, हाँ थोड़ा आगे। हाँ अब वापस लो, ये मोजे पर ये खड़े हुए गए, और फिर से ताकत लगाइए आप, और ये ताकत नहीं है इनके पास। लगाओ ताकत, नहीं है ताकत, घट गई कि नहीं बताओ? मोजे में ताकत खत्म हो गई, मोजे से ताकत खत्म हो रही है। सही बात, सही बात है। ठीक चलिए वापस जाइए, ठीक है आप भी जाइए। हाँ मोबाइल का प्रयोग कराना है, मोबाइल का कोई दूसरा आइए, आप नहीं, आप थोड़ा अभी चले जाइए, एक व्यक्ति और आओ जरा, मोबाइल का प्रयोग कराते हैं। आइए अग्निहोत्र भाषण कहाँ है? अग्निहोत्र भस्म, चलो आओ। क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह मंडलोई। हाँ ठीक है, चप्पल उतारो। मंजीत जी कहाँ रहने वाले हो? हाँ ये मंजीत जी का फोन यहाँ रखा हुआ है, अभी फिलहाल ये रखा हुआ है। मंजीत जी हाथ ऐसे करो, और मंजीत जी जो है ये ताकत इनके पास जोरदार है, बढ़िया है, बिल्कुल रोक लिए। मंजीत जी ये फोन पकड़िए, फोन पकड़ा रहा हूँ मंजीत जी को, ठीक है? ये फोन, और फोन ऐसा पकड़ना है कि हाथ में लगे, ठीक है? ऐसा पकड़ना, हाँ ठीक। और ये ताकत मंजीत जी की अभी हो गई है खत्म,
लगाओ ताकत मंजीत जी, लगाओ, कोशिश कर रहे हो पर कोई ताकत नहीं, लगाओ ताकत, लगा रहे हो, कुछ ताकत है अब ये मंज, ये जो है इनके, मैं इसमें केवल ये जो है हम एंटी रेडिएशन चिप डाल रहे हैं, ये बना है गोबर से, अग्निहोत्र भस्म से, और वैजंती का चूर्ण है, पारिजात का चूर्ण, ठीक है। ये चारों चीज़ें जो है ये भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान को इसमें चढ़ते हैं। ये मैंने इसका जो है, और ये मेरे गांव के लोगों ने बेचने के चक्कर में मेरी फ़ोटो इस बार लगा दी है, समझ रहे हो, बेचने में सहयोग है। कुछ कुछ लोग तो और अच्छा बना के बेच देते 150-200 में। ये मैंने एंटी रेडिएशन चिप जो है इनके इसमें लगा दिया, अब देखते हैं इनकी ताकत बढ़ती है कि घटती है, वैसे पकड़ो ऐसे, हाँ जैसे पकड़े थे, और इनकी ताकत अभी जो है जितनी थी उससे अभी कई गुनी बढ़ चुकी है ताकत। क्या कह रहे हो मंजीत, ये कैसे हुआ, अब फिर से कर लो, ये निकाल देते हैं, कैसे हुआ देख लो, ये वापस निकाल दिया मैंने, ये फिर से लो। हम दिन भर में कितने बार मोबाइल पकड़ते हैं, ठीक है, कितने बार छूते हैं और इस हथेली से छूते हैं, ताकत बची, लगाओ ताकत, पूरी ताकत लगा रहा हूँ, तो कहाँ गई ताकत, वही सोच रहा हूँ क्या हुआ ये। हाँ हाँ, एक साल करे, इसमें कुछ नहीं, गोबर है, अग्निहोत्र भस्म है, ठीक है, और हमारे तो क्या है, दो दो तीन तीन साल चलते हैं, पर ऐसा है मैं कहता हूँ एक साल में बदल लो, ठीक है, बना तो 25 पैसे में है, बेचते 20 रुपए में है लोग, और ये जो है मंजीत की ताकत अभी बढ़ चुकी, लगाओ ताकत पूरी, हाँ ये थक गए लगता है, पर ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी, पता नहीं क्या हो रहा है, रुक रहा है हाथ, तो रुक रहा है हाथ, बढ़ी मतलब जी, मतलब घटी तो नहीं, नहीं क्या, घटी कि बढ़ी, बढ़ी है, बढ़ी है, तो अब ये लगा के रखना चाहिए, नहीं लगा रखना, लगा के रखना, चलिए हमारे तरफ से आपको सप्रेम भेंट, धन्यवाद, ठीक है आप निकलिए। तो अब ये है मेरे गांव का आधा ग्राम गोबर 20 रुपए में बिकता है, कितने रुपए में, और मेरे साथ में जो है कुछ लोग हैं उन्होंने कंपनी बना ली है, और बढ़िया उसका एंटी रेडिएशन चिप बना है, शानदार, जैसे अब एटीएम कार्ड आता है वैसा, और बेचते हैं 250 रुपए में, कितने में, 250 रुपए में, तो आधा ग्राम गोबर उनका 100 रुपए का है, कितना गोबर, तो एक ग्राम कितने का हुआ, 200 का, तो 10 ग्राम कितने का हुआ, तो 100 ग्राम कितने का हुआ, है 20,000 का, तो एक किलो कितने का हुआ, 2,00,000 रुपए किलो का गोबर बिकता है हमारे यहाँ। और इतना ही नहीं, अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, गोबर खिला करके, क्या खिला करके, गोबर खिला करके हमने 17 बीमारियां ठीक की है, कितनी, 17। विजय सोनी जी को पता लगा, तभी विजय सोनी जी कहते हैं कि मैं पागल हो गया हूं, आपन ही खोना है विजय जी, कूल, पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, हृदय में आग और दिमाग में बर्फ, ठीक है। तो ये ऊर्जा विज्ञान है, ऊर्जा पैदा कैसे करना ये बताता हूं, दिखाओ फटाफट, आपके पास ये पात्र होना चाहिए, पात्र दो केवल सिंगल, ये पात्र आपके पास इसी आकार का पात्र होना चाहिए, मेरे गुरुजी ने इस पर 25 साल काम किया है, एक और पात्र दो, क्यों होना चाहिए, ये दो पात्र मिलकर के षटकोण हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, षटकोण, और षटकोण के अंदर ही ऊर्जा रह सकती है, इसका परमाणु का आकार भी षटकोण होता है, क्या होता है, षटकोण, ये अगर ऐसी हो गई तो ऊर्जा अंतरिक्ष की ओर जा रही है, ऐसी हो गई तो ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है, ये ऊर्जा को डिवाइड कर देता है। अभी हमको जाना हो जबलपुर और हम चल पड़े अहमदाबाद की ओर, जबलपुर मिलेगा क्या, ये दिशा बदलता ऊर्जा को, और पूरी खेल ऊर्जा की है, ये जो निगेटिव बोल रहे हैं वो मनुष्य के लिए है, किसी और के लिए वो पॉजिटिव है। ये बताओ हमको जाना, बैठो मिताली, हमको जाना है जबलपुर, और बिच्छू केकड़े सांप बिच्छू इनको, इनका भी ठीहा जबलपुर हो, कहां हो, तो उनके लिए जबलपुर क्या है, पॉजिटिव, और जिनको अहमदाबाद जाना है, मान लो हम तुमको, उनके लिए जबलपुर क्या हो जाएगा, निगेटिव। जितना जबलपुर जाएंगे अहमदाबाद की दूरी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी,
तो निगेटिव ये होता है, निगेटिव इन द सेंस केवल मनुष्य नहीं, प्रकृति में कुछ जीवों के लिए वो चीज पॉजिटिव है। प्रकृति में ऊर्जा एक है, गति दो है उसकी, एक अधो गति एक ऊर्ध्व गति, एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है। जो नीचे जा रही है वो भी अणु और जीवाणु बना रही है, जो ऊपर जा रही है वो भी अणु और जीवाणु बना रही है, और अणु जीवाणु बनने से प्रकृति बन गई, पेड़ पौधे मनुष्य। नीचे जाने वाला भी अणु और जीवाणु बना रही है, वो पेड़ पौधे और मनुष्य वहां भी बने। तो अधोगति वालों के लिए निगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव है, और ऊर्ध्व गति वालों के लिए ऊपर की ऊर्जा पॉजिटिव है और नीचे की ऊर्जा निगेटिव है। यानी इस ऊर्जा को पहचानने के लिए ईश्वर ने 5 अंग दिए हमें। कितने अंग दिए हैं? ये ऊर्जा को 5 तरीके से पहचान सकते हैं, रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श। देखो मैं विषय के अंदर घुस रहा हूं, और चूंकि मेरे पास अभी समय कितना बचा है, समय हो के आधे घंटे बताइएगा, क्या समय हुआ अभी? 5:15 है, 45 मिनट है, मुझे 45 मिनट विषय खत्म करना है। तो मैं विषय के बहुत अंदर नहीं जाऊंगा, केवल छोटा सा पॉइंट आपको छुआ दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पूरा कृषि बताना है। ये प्रकृति में ऊर्जा जो है ये 5 तरीके से पहचान सकते हैं। पहला है रूप, दूसरा है रंग, तीसरा है गंध, चौथा है स्वर और 5वां स्पर्श। पहला क्या है? रूप, दूसरा रंग, तीसरा गंध, चौथा स्वर और 5वां स्पर्श। रूप ये जो है इसको देखते ही हमारे अंदर के रोंगटे खड़े हो जाए, निगेटिव है, और उसको देखने से हमारे अंदर के रोम खड़े हो जाए। तो दोनों में अंतर, रोंगटे खड़े होना और रोम रोम पुलकित होना। रोम खड़े हो गए, आनंद आ गया, वो पॉजिटिव है, और जिसको देखते ही रोंगटे खड़े हो गए वो निगेटिव है। बिच्छू निकलते देख ले हम घर के दरवाजे में, क्या होगा? क्या होगा? रोंगटे। और कोयल निकलते देख ले तो रोम पुलकित हो जाएंगे। ये अंतर, कोयल पॉजिटिव, बिच्छू निगेटिव। अब रंग, जिसको देखने से आंखें मिचमिचा जाए, आंखें बंद हो जाए, वो निगेटिव है, और जिसके देखने से आंखें और खुल जाए वो पॉजिटिव है। तो घी का दीपक पॉजिटिव है कि निगेटिव है? और टार्च, मोबाइल का टार्च निगेटिव है। आप घी के दीपक को 2 घंटे देखिए, उस दिन आपको खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको अंग्रेज लोग करते हैं त्राटक, बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? त्राटक। और मोबाइल का फोन कोई देख सकता है 2 घंटा? 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट में वो कांपने लगेगा अंदर से, क्योंकि सारी ताकत रंगों के माध्यम से खींच लेगा वो फोन। आज तो हेलोजन बल्ब आ गया, वो भी गाड़ी में लगे दिन में भी और रात में भी। पता नहीं आगे आगे वाली पीढ़ी क्या होना है। फिर गंध, जो गंध दुर्गंध है हमारे लिए निगेटिव है, और जो सुगंध है वो पॉजिटिव है। दुर्गंध खा के सुअर 12 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है, 20 बच्चे पाल लेती है। वही कीचड़ गाय को खिला दे तो क्या 12 लीटर दूध दे देगी? आधुनिक वैज्ञानिक उसमें न्यूट्रिशन ढूंढ ले और छान के बढ़िया उसका गंध गायब करके सेंट वेंट डाल के, केमिकल डाल के गाय को पिला दे तो क्या दूध बढ़ जाएगा? बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा वो निगेटिव, वो सुअर के लिए पॉजिटिव है, गाय के लिए निगेटिव है। बेल का रस गाय के लिए पॉजिटिव, सुअर के लिए निगेटिव। बेल का रस सुअर को पिलाओगे मर जाएगी, वो बीमार हो जाएगी। गाय को पिलाओ 1 महीने बाद उसका दूध बढ़ जाएगा, हमने बढ़ाया है। तो हमको ये दुर्गंध बताता है ये निगेटिव, भाग जाओ यहां से। और स्वर, मेंढक का स्वर अच्छा लगता है कि बुरा? बुरा लगता है, निगेटिव। और बंसी का स्वर अच्छा, और वो प्लास्टिक के ढोल आते उनका स्वर है बुरा, और स्टील की थाली पीटते उनका स्वर अच्छा नहीं लगता, और आप कांसा पीतल का घंटी बजाइए कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो भैया ये निगेटिव है स्टील, इसलिए उसका स्वर अच्छा नहीं लगता। तो ये ऊर्जा विज्ञान है। आप जो है आंख, कान, नाक, जीभ और हाथ से, त्वचा से नाप सकते हो निगेटिव पॉजिटिव। तो आप सीख गए कि नहीं सीख गए निगेटिव पॉजिटिव को पहचानना? और नहीं तो हाथ में रखना, ताकत लगाना। अगर वो पहले ताकत लगा के देख लेना 1200 है तो फिर उस पे मत तौलना। जो तराजू बाट कमजोर हो उस पे तौलते हैं क्या?
मान लो तराजू बाट की कैपेसिटी है 40, तो एक कुंटल वजन रखते हैं क्या उसमें? नहीं रखते, तो हाथ से पहले देख लेना, ताकत रोक रहे कि नहीं, रोक पा रहे हैं तो फिर उस पर किसी भी एक्सपेरिमेंट करना। आप सब सीख गए कि नहीं सीखे ऊर्जा विज्ञान? पक्का? अब सबसे पहले जाके खेत की मिट्टी नापना, और वो मिट्टी निगेटिव हो गई है तो अग्निहोत्र करना, ऐसा तांबे का पात्र लेना। ये पात्र आप जो है शिवेंद्र को मैसेज करो, ये वो डाक से भेज देगा, माधव आश्रम में वहाँ भेज देगा, हमारे विजय सोनी जी इनको पास भी कुछ पात्र होते हैं, ये कोई भी कार्यकर्ता भेज देगा, उधर स्टॉल पे लगा है वहाँ भेज देंगे। और ये कमीशन लेके नहीं भेजते हैं, ये अपना पैसा लगा के लाते उतने में देते हैं। है? ये सेट है 750 का, हाँ ये पूरा सेट है, नहीं पूरा सेट मिलता है, पात्र स्टैंड दोनों दोनों दो सेट है 1500 के, एक घर में करो कोरे जी, एक खेत में करो, ठीक है। और फिर वहां का अनाज किसी को खिलाना, वो सर्टिफिकेट नहीं मान गया, गारंटी देता हूं मैं, किसी को खाना खाने से आनंद मिल जाए उससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या है भाई? है क्या सर्टिफिकेट? नहीं है। हाँ फॉरेन में बेचने की लालसा हो तो करवाओ। और आज की दुनिया बड़ी संदेहास्पद हो गई, इसलिए करवा लेना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हर आप तो सक्की नज़र से भाई को भी देखते हैं, वो भी प्रॉफिट में तो नहीं बेच रहा है, या बेचने के लिए गलत चीज़ तो नहीं पकड़ा रहा है, ये नेटवर्क मार्केटिंग ने शायद वो सब संबंध खराब ऐसे करवा दिए, गलत चीज़ बेच रहे हैं, ऐसा नहीं, नेटवर्क में अच्छी चीज़ भी बिकती है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि ऊर्जावान चीज, अब ऊर्जा बढ़ाना है तो क्या करना, ऐसे पात्र में ठीक सूर्योदय सूर्यास्त पे अग्निहोत्र करना। अब ठीक सूर्योदय सूर्यास्त कैसे लाओगे आपका घर का? तो आपके फोन में एक ऐप है, वो ऐप हमने जर्मन एक मित्र है उनके साथ मिलके बने, नरसिंहपुर के हमारे मित्र हैं, ठीक है, शिव जो है शिव कुमार जी, उन्होंने बनाया है, ऐप का नाम है अग्निहोत्र बडी, AGNIHOTRABUDDY, अग्निहोत्र बडी, या हिंदी में होगा तो अग्निहोत्र मित्र, ऐप है, डाउनलोड करना, लोकेशन आएगा, लोकेशन पर क्लिक करना, ठीक है, आपका वो चालू रखना, लोकेशन का जो वो है आपके घर का लोकेशन दिखने लगेगा, उसको ओके कर देना, वो अपने आप सुबह शाम का बताएगा, थोड़ी सेटिंग कर लेना कि 20 मिनट पहले अलार्म बजे, और भारतीय मानक पे बताए, नहीं तो वो 15-16 वो जो रेलवे कैलेंडर के हिसाब से भी बताता है, तो भारतीय मानक पे सेट कर लेना, और माइनस पे कर देना, माइनस पे यानी घटते हुए, मतलब अभी अगर अग्निहोत्र होना हो तो अभी बता रहा होगा कि इसमें 2 घंटे 15 मिनट बाकी है, 1 घंटा 9 मिनट बाकी, ये बता रहा है, तो ये कर लेना। उस समय पर क्या करना, ऐसे कंडे जमाना, कंडे लाओ फटाफट इधर मेरे पास लाओ। अब ये कंडे शुद्ध गाय के गोबर के बने होना चाहिए, ये जो गाय का गोबर है ये रेडिएशन को खत्म करता है, और केवल इतना ही नहीं, परमाणु बम फूटेगा उसके रेडिएशन को भी खत्म करेगा, इसलिए रूस चाइना और अमेरिका के नेता और बड़े बड़े लोग पहाड़ के अंदर बंकर बना रहे हैं और गोबर से दीवार बना रहे हैं, क्योंकि बंकर के अंदर बम तो असर नहीं करेगा पर बम का रेडिएशन असर करेगा, क्या करेगा बम का रेडिएशन, इसलिए दीवार कैसे बना रहे हैं गोबर से, ताकि बम से भी बच जाएं, परमाणु युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तो हम बच जाएं। ये रेडिएशन खत्म करता है, इसको वेदों ने श्री कहा है, क्या कहा है जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए श्री, क्या कहा है, और श्री का मतलब है जिसके अंदर कभी एनर्जी छीण ना हो, ऊर्जा हमेशा बने रहे, उसी को श्री कहा है, इसलिए फिर भगवान के आगे भी श्री लगना शुरू हुआ, फिर पुरुषों के आगे, फिर महिलाओं के आगे भी लग गया। श्री का मतलब है ऐसा शक्ति जो कभी छीण नहीं हो सकता, तो वेदों ने कंडे को श्री कहा है, इसके अंदर इंडोल फिनॉल और फॉर्मेलिन होता है, ये जलेगा तो फॉर्मेलिन ऑक्साइड इंडोल ऑक्साइड और ये निकालेगा फिनॉल ऑक्साइड, और ये ऑक्साइड क्या करेंगे, ये कीटाणुनाशक है। अभी फार्मेलिन गैस ऑपरेशन थिएटर में औजारों में स्प्रे होता है कि औजार में फंगस ना हो, कोई जरूरत नहीं चाइना से फार्मेलिन ऑक्साइड लाने की, अग्निहोत्र करो और फार्मेलिन पैदा करके और उसको कैप्चर करो और फंगिसाइड फंगस खत्म करो, खेत का भी घर का भी, ये किया है हमने,
और ये हुआ कहाँ? ये हुआ पतंजलि योगपीठ में। हरिद्वार में ग्राम है पतंजलि का योग ग्राम, कितने लोग गए तो उठाओ। वहां 200 पेटी मधुमक्खी की थी, मर गई थी मई में, लगभग 100 पेटी की खत्म, अगली 200 पेटी की भी, अगली 100 की भी मरने वाली थी। मुझे फोन आया यज्ञ देव जी का, मैंने कहा ऐसे ऐसे अग्निहोत्र करो, यज्ञ करो, उसका धुआं कैप्चर करो, और वो जो फॉगर मशीन आता है ना धुआं कैप्चर करके फॉग करने वाला, उसमें उसके अंदर डालो। 7 दिन में मधुमक्खी स्वस्थ हो गई, अगले 7 दिन में अंडे बच्चे से मधुमक्खी निकल के रानी बन गई, अगले 21 दिन में प्रोडक्शन 100 में आ गया 2.5 क्विंटल, अगले 28वें दिन में रानी मक्खी दूसरे में ट्रांसपोर्ट होके 5 क्विंटल शहद 28वें दिन में 200 पेटी में पैदा होना शुरू हो गया। मुझे फ्लाइट की टिकट दी गई, मैं दिल्ली गया, वहां से जो है वहां गया हरिद्वार, वहां से योगग्राम गया, देखा, और उसका वीडियो मैंने डाला है फेसबुक में। कितने लोगों ने देखा है मेरे फेसबुक में, योगग्राम में मधुमक्खी स्वस्थ हो गई, और जो मधुमक्खी आ रही थी वो बिल्कुल जो आ रहा था ना वो बिल्कुल पारा जैसे ट्रांसपेरेंट, क्योंकि स्वस्थ जहां हानि पैदा होगी वहां पीला होगा ही नहीं। पीला होता है मधुमक्खी के अंडे फटने से, वहां मधुमक्खी के अंडे फटे ही नहीं रहे हैं, तो शहद कैसा आया? ट्रांसपेरेंट। पूरा पतंजलि की एनर्जी मेरे से नपवाए हैं यज्ञ देव जी। ये यहाँ गौशाला का देखो, रसशाला का देखो, उनके प्रयोगशाला का देखो, वहां रहते उनका वहां का देखो पूरा। और अच्छा है मैंने डाल दिया है, कल को मैं जब भी बताऊं तो बताऊं ये देखो कि हम जो है इनके पिताजी से मिल रहे हैं बाबा रामदेव जी के। तो एनर्जी निगेटिव होगी तो बीमारी का कितना इलाज कर लो नहीं बचेंगी। और एनर्जी को पॉजिटिव करने का सबसे बड़ा मंत्र है गाय का गोबर, और इस गोबर को जलाना इस पात्र में, और ये एनर्जी आपके ही घर में रहे तो निश्चित टाइम पे जलाना 10 मिनट पहले, और नहीं तो ये सब फैल जाएगा पूरे इंदौर में, आपके घर में नहीं रहेगा पूरे इंदौर में फैल जाएगा, क्योंकि जहां से निकलता है वहां निर्वात होता है दिया तले। तो अगर चाहते हो आपके घर में ही रहे ये एनर्जी तो इस पात्र को ले लेना, और चाहते हो पूरे फैले दुनिया में तो फिर किसी और पात्र में करना। ये पात्र की एनर्जी, इससे निकली हुई एनर्जी को 8000 घन फीट एरिया में पकड़ के रखता है। कितने हजार घन फीट एरिया में? वहां पर बिजली नहीं गिर सकती उस घर के ऊपर, उस घर में मिथाइल आइसोसाइनेट नहीं घुस सकता। और ये सिद्ध हुआ जब 84 में हुआ था ना भोपाल गैस कांड, वहां कुशवाहा परिवार के घर के अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट नहीं घुसा, वो उनकी पत्नी और उनकी प्रेग्नेंट पत्नी और उनके बच्चे स्वस्थ हैं और आज भी स्वस्थ हैं। तो आप चाहते हो पर्यावरण प्रदूषण से बचें तो इस अग्निहोत्रों को रोज घर में करो। आप नहीं कर सकते, आपकी पत्नी वो नहीं कर सकते, बच्चा नहीं कर सकते, पड़ोसी को बोल के जाना भैया कर लेना। इतना ही नहीं हुआ, अभी 2 साल पहले भुवनेश्वर में भयंकर तूफान आया था, 2 साल की डेढ़ साल कितने साल हुआ, वहां हमारे एक कार्यकर्ता हैं मनोज जेना जी, वो कार्यकर्ता जहां रहे वो प्रचारक है हमारे हमारे मिशन के, वो जिस घर में अग्निहोत्र किए थे उस घर का पपीता टपका तक नहीं, बाकी अड़ोस पड़ोस के पूरे बड़े बड़े पेड़ तहस नहस हो गए, वहां का पपीता नहीं टपका, गिरा नहीं, उस आंधी तूफान ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा। तो ये पात्र और अग्निहोत्र का कमाल है। अब ये हमको ठीक सूर्योदय सूर्यास्त से 10 मिनट पहले जलाना है, और घी चावल लेना है अखंड बिना टूटा हुआ, और घी लेना है बिलौने का, घी है यहाँ पर कहीं दिखाना हो घी, उनने दिया होगा घी, नहीं हमारे अमित जी घी लाए हो, अमित जी घी लेके आए हैं, वो कांच की डिब्बी में रखते, बाकी सब प्लास्टिक में बेच रहे, और उसमें कांच का वो भी लकड़ी का लगा हुआ, वो निकालना घी, मैं अब उस ब्रांड की नहीं कह रहा हूँ, आप भी अपने घर में बना सकते हो बिलौने घी, और उसको जो है चुपड़ना 2 मिनट पहले, और जैसी 0000 हुआ मतलब सूर्य की किरणें टकराती है आपके घर से या वापस जाती है तो एक कंपन होता है, उसको बोलते हैं सर्केडियम रिदम और इन्फ्रारेडियम रिदम। ठीक उस रिदम पे आपको शाम का है तो अग्नये स्वाहा अग्नये इदम नमम, मेरे साथ ही मंत्र दोहराओ जला, अग्नये स्वाहा अग्नये इदम् नमम,
और होठ नहीं हिलाना है, नाभि से निकलना चाहिए, अगनये स्वाहा, नाभि अंदर जाना चाहिए, ये है मंत्र, नहीं तो असर ही नहीं, उसका उसकी फ्रिक्वेंसी आगे नहीं बढ़ेगी। ये फ्रिक्वेंसी को करने के लिए, ताकि हमारे घर के पर्दे, दरवाजे, चावल, दाल सब पे वो एनर्जी चली जाए, इसलिए पूरे नाभि से निकलनी चाहिए, अगनये स्वाहा, हा बोलेंगे नाभि अंदर जाएगी। बोलो एक बार जरा, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, अगनये इदम नमम प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमम। बस ये शाम का अग्निहोत्र हो गया, दो आहुति, उसको छूना नहीं, पात्र को ज्यों का त्यों रखना, ये पंच महाभूत और अंतरिक्ष से कनेक्ट हो गया, 12 घंटे बाद उसका भस्म कलेक्ट कर लेना। वो उसको अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने एक्टिवेटेड चारकोल कहा है। क्या कहा है? और एक्टिवेटेड चारकोल बनाना सरल काम नहीं है, वहां पर बड़े बड़े लैब लगे हैं और मनुष्य की हड्डियों से बनाते हो, किससे बनाते हैं, और उसका कैप्सूल बना के खाते हैं। जब अमेरिका के वैज्ञानिकों को पता लगा अग्निहोत्र भस्म भी एक्टिवेटेड चारकोल है, तो इस भस्म का भी कैप्सूल बना के खाते हैं, क्योंकि इसमें हमने अभी तक 47 एलिमेंट्स देख लिए हैं, कितने, फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, निकल, बोरान, सब है, और अकेले नहीं है, ऑक्सीडाइज है, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, फास्फोरस के, पोटास के एक अणु के साथ 5 ऑक्सीजन के अणु भी हैं, पोटास के 2 अणु के साथ पोटेशियम ऑक्साइड है, आप उसको इंटेक करोगे सीधे ब्लड में जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है ऑक्साइड्स चीजों को अपने शरीर में इंटेक होने देता है, नहीं तो रोक देता है। ब्लड में जाने के पहले 7 दरवाजे हैं, कितने दरवाजे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीडाइज है, ऑक्सीडाइज कहां होता है, आसव में होता है, आरिष्ट में होता है, आयुर्वेद में आसव आरिष्ट पिया है किसी ने, अमृतारिष्ट, पुनर्नावारिष्ट, कुमारी आसव, कितने लोगों ने पीटा, हाथ उठाओ जरा, क्योंकि यहां ऑक्सीडाइज रहता है, इसलिए उसका तुरंत रिजल्ट आता है। आप द्राक्षासव, आप 2 किलो अंगूर खा लो फायदा नहीं होगा, द्राक्षासव पी लो, क्या है द्राक्षासव, अंगूर का 31 दिन का सड़ा हुआ मटेरियल, अब आपको समझाने के लिए सड़ा बोल रहा हूं, वो सड़ा नहीं है, वो ऑक्सीडाइज है, एक बैक्टीरिया ने उसको खा के दही बना दिया है, तो वो बैक्टीरिया का पका है, ऑक्सीडाइज हो गया, इसलिए द्राक्षासव के क्विक रिजल्ट, कुमारी आसव के क्विक रिजल्ट। तो हमको आसव बना के खाना पीना चाहिए, हमको बैक्टीरिया जीवित करके खाना चाहिए, यहां से ऊर्जा का दूसरा पार्ट शुरू होता है। अभी तक मैंने बताया ऊर्जा विज्ञान, ये अग्निहोत्र करोगे निश्चित टाइम पे तो 5 गैसें निकलेगी, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियो ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन। अब कोई आके मेरा गर्दन मत पकड़ लेना कि फॉर्मेलिन ऑक्साइड को फॉर्मेलिन ये ऑक्साइड बोलते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये फॉर्मेलिन गैस क्या करता है, कीटाणुनाशक है, एथिलीन ऑक्साइड क्या करता है, टेम्परेचर ठीक करता है। मैंने एथिलीन ऑक्साइड अग्निहोत्र से निकाल के या 5 ग्राम गोबर में 1 बूंद घी चुपड़ के और इससे एथिलीन ऑक्साइड निकाल के 15 दर्जन केले पकाए हैं और इसका यूट्यूब में डाला है, पंत नगर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को एथिलीन ऑक्साइड से पका केला खिलाया है, और एथिलीन ऑक्साइड कहाँ से निकाला, गाय के गोबर के 1 टुकड़े में थोड़ा घी चुपड़ के जला के। अभी केला पकाने के लिए एथिलीन ऑक्साइड चाइना से बुला के पकाते हैं, छत्तीसगढ़ के फार्मर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े चैम्बर हैं, और अभी तक यहाँ इंदौर के फार्मर तो पकाते होंगे उससे, वो क्या, वो एक लिक्विड आता है ना, कार्बाइड से पकाते होंगे आधुनिक, अब जो है बड़े बड़े किसान एथिलीन वो वहां से बुलाते, मैं कहता हूँ कंडा है जलाओ निकाल लो, और ये विधि मैंने यूट्यूब में डाली, कितने लोगों ने विधि देखी है, केला पकाने की विधि, हाथ उठाओ जरा, 1 2 3 4 5 लोगों ने देखी, बस उसको प्लास्टिक में मत पकाना,
नहीं तो पकेगा ही नहीं, क्योंकि प्लास्टिक निगेटिव है, सारी एनर्जी सोख लेगा। हमारे विजय सोनी जी ने एक ड्रम केला पका के, केला भी नहीं पके और केला भी खराब हो गया, बाद में लोग ऐसे ही खाए। उसको थर्मोकोल से हमने पकाया था, उसी में पकाना। अब कहोगे साहब थर्मोकोल बहुत निगेटिव होता है, थर्मोकोल ऊर्जा को भागने नहीं देता, बाहर नहीं जाने देता, इसलिए उससे पकाइए आप, जहां उसका यूज है तो करना पड़ेगा। फिर देख रहे हैं उसका विकल्प भी निकाल रहे हैं। तो ऐसे पांच गैसें निकलती है अग्निहोत्र करने से, इससे पंच तत्वों का निर्माण होता है और प्रकृति खुश हो जाती है। क्यों? पंच तत्व जिनसे हम तुम बने। पंच तत्व यानी क्या? भूमि, बोलिए जोर से भूमि, भूमि बोलिए, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भूमि का भा, गगन का गा, वायु का वा, अग्नि का आ, नीर का ना, क्या बन गया? भा गा वा आ ना, क्या बन गया? तो ये पूरी प्रकृति किसने बनाई? पंच महाभूतों ने बनाई। बोलचाल में हम भगवान बोलते हैं, हमको तुमको पेड़ पौधों को परमाणु को सब। ये पंच महाभूतों को तृप्त करने वाली एनर्जी इससे निकलती है, ये मैं कहता हूं अपने चिंतन पर। और इससे पंच महाभूत प्रसन्न हो जाएंगे और उनके द्वारा दिए गए अन्न फल हमको फिर बड़े मीठे लगेंगे। क्यों लगेंगे मीठे? क्योंकि हमने पंच महाभूतों को भोजन दिया, फिर उनके द्वारा दिए हुए अन्न फल को खाएंगे तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए अग्निहोत्र करना अनिवार्य है, हमको प्रकृति को भोजन देना अनिवार्य है। आप अग्निहोत्र करके केवल अपने घर को सुरक्षित नहीं कर रहे हो, पंच महाभूतों को भी शुद्ध और सजीव कर रहे हो। इसलिए कल सतयुग में हर घर में अग्निहोत्र होता था, त्रेता में हर जो है अच्छा व्यक्ति अग्निहोत्र करता था। उस समय भी आ गए थे धोबी जैसे कुछ लोग माँ को जो है उंगली उठाने वाले। फिर द्वापर में बहुत रेयर लोग किए, किन्ने किए? राम, कृष्ण, भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये करते थे। फिर कलयुग में कुछ फिर बंद ही हो गया। 1967 में माधव स्वामी पोद्दार जी ने इसको पुनः पुनर्जीवित किया। इस विज्ञान को भगवान परशुराम ने दुनिया को बताया है, और न केवल बताया, इससे जो पंच महाभूत निकाल के चावल, केला, नारियल, सुपारी, ऐसी चीज, हल्दी, ऐसी चीज बनाई जिनको ब्रह्मा जी को कहने पड़ा कि ये अक्षत हैं, ये सड़ नहीं सकते। तो मोहन जोदड़ो का चावल आज भी मिल रहा है। चावल में अगर पानी ना रखे तो हजारों साल जीव कत्यू रहता है। 25 साल का अनाज मेरे घर में रहा, हम खाए हैं। कोठी रहती थी मिट्टी की, उसमें भरे रहते थे। तो ये चावल भी अक्षत है, सड़ेगा नहीं पानी ना लगे तो। नारियल भी, केला भी, कीड़ा नहीं पड़ता इसमें। अब रासायनिक खेती हो रही है तो अलग बात है। तो ये भगवान परशुराम की ऊर्जा विज्ञान से निकले हुए, अग्निहोत्र के ऊर्जा विज्ञान से निकले हुए हैं। इसलिए भगवान परशुराम को मैं दुनिया का प्रथम कृषि वैज्ञानिक कहता हूं। कौन है? और उन्होंने ना केवल धान दिया, धान की 35,000 वेराइटी दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रायपुर यूनिवर्सिटी कह रही है। आज कोई वैज्ञानिक धान नहीं बना सकता, धान को ब्रीड करके नई प्रजाति बना सकता है। एकदम नई प्रजाति दी 35,000, और धान ही नहीं बनाया। अरहर, मूंग, मटर, मसूर, जौ, जई, ज्वार, बाजरा, कोदो, राई, धनिया, मेथी और सब्जी के अनगिनत बीज दिए। ये बीज अपने आप नहीं पनपे हैं, भारत के जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के वैज्ञानिकों ने बनाए है। अपने आप बना होता तो अमेरिका के जंगल में भी होता, कनाडा के जंगल में भी बन गया होता। ये बनाए गए बंधु, प्रकृति ने नहीं बनाया इसको, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। जिन बीजों को हमने खो दिया, सामने एक महिला जो है देसी बीज रखी है, डंके की चोट पर बोलती है वो महिला। है क्या वो महिला? इधर बोलती कि नहीं बोलती? वो काम कर रही है। आप पेट भर रहे हो, अनाज नहीं खा रहे हो। क्यों? आप हाइब्रिड खा रहे हो, उसमें तत्व नहीं है। और जीएम तो और खतरनाक है। जीएम क्या है? जेनेटिकली मोडिफाइड, है ना। सरसों के अंदर जो है बेसिलस थुरेंजेसिस नाम का जो है खतरनाक जीव का जीन डाल दिया गया। आलू के अंदर मछली का डाल दिया गया, ठीक है। गोभी के अंदर बिच्छू का डाल दिया गया, मूली के अंदर सांप का डाल दिया गया,
ऐसे जीन डाली हुई चीजें खा करके और कैंसर के हम भागी बन रहे हैं, कोई नहीं बचा सकता। या तो प्लास्टिक से कैंसर होगा या जीएम फूड खाने से होगा। नकारात्मक ऊर्जा ने तो इस पीढ़ी को बर्बाद ही कर दिया है। ये पीढ़ी केवल 2 बच्चे पैदा कर पा रही है मेरी उम्र की। गलत बोल रहा हूं क्या? मेरे बड़े उम्र की, मेरी जो है थोड़ी उम्र ज्यादा है, 8-10 बच्चे, और उसके पहले तो 12-12, 15-15 बच्चे माँ पैदा कर लेती थी। आने वाली पीढ़ी तो एक बच्चा भी पैदा नहीं कर पाएगी। हो सकता है हर जिला केंद्र में टेस्ट ट्यूब बेबी बच जाए। शादी के बाद पुरुष जाके अंडाणु देगा, महिला जाके नहीं, पुरुष जाके शुक्राणु देगा, महिला जाके अंडाणु देगी, और 9 महीने का जब बच्चा हो जाएगा तो वहीं बारसा वारसा करके घर ले आएंगे। होने वाला ऐसा। तो ये ऊर्जा विज्ञान मेरा विषय समाप्त होता है। अग्निहोत्र हम वहां करेंगे, स्टॉल में पहुंचिए तो वहां अग्निहोत्र का लाइव डेमो बताएंगे। अब यहां से प्रकृति का दूसरा विज्ञान, जीवन विज्ञान में शुरू करता हूं। कितना समय बचा भाई? 20 मिनट में आपको जीवन विज्ञान। ये प्रकृति में 4 चीजें डायरेक्ट लेना है, गगन, वायु, अग्नि और नीर। कितनी चीजें? गगन यानी रंग, गंध, स्वर और स्पर्श, ये डायरेक्ट जाएंगी। इनको पचाने की जरूरत नहीं है, रंग को, गंध को, स्वर को, स्पर्श को। मेरी बात समझ में? ये 4 ऊर्जा को पचाने की जरूरत नहीं है। पचाने की जरूरत भूमि तत्व को है, क्योंकि भूमि तत्व कहां से आया? पेड़ पौधों से आया। इनको पचाना पड़ेगा, और पचाने के लिए ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और ऑक्सीडेशन बैक्टीरिया कर सकते, और कोई नहीं कर सकते। आम के फल को आम के पेड़ में दो दिन में लाल पकाने की ताकत रखता बैक्टीरिया है। मनुष्य नहीं पका सकता, दुनिया की कोई लैब आम को नहीं पका सकती। हम चुरा सकते, चुराना समझते हो? आग में पकाना, उसको चुराना बोलते हैं हमारे गांव में, ठीक है? चुरा लेना और पकाना होता है, बैक्टीरिया ने पकाया आम में। तो आम जो है को खट्टे को मीठे करने की ताकत 2 दिन में बैक्टीरिया कर सकते, दुनिया की कोई नहीं। दूध एसेटिक होता है, उसको 2 दिन में लैक्टोबेसिस क्या कर देता है? अल्कलाइन कर देता है। क्या कर देता है? तो एसेटिक को अल्कलाइन करने की ताकत दुनिया के पता नहीं किस लैब में है, पर बैक्टीरिया 2 दिन में कर देता है एसिड को अल्कलाइन। और वो बैक्टीरिया वाला भोजन हमको करते हैं तो लाभ कितना होता है? दूध से 400 गुना ज्यादा लाभदायक है छाछ। कितना गुना? कितना गुना लाभदायक है? 400। क्यों? बैक्टीरिया ने दिया। तो जीवो जीवस्य जीवनम्, आपको भूमि तत्व किसी जीव से लेना पड़ेगा। ये ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र ऋषि पाराशर लिख के चले गए। पाराशर संहिता कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ उठाओ। सुना है किसी ने? भारत दुनिया की पहली पुस्तक है पाराशर संहिता। लीजिए हमसे पता, हमारे पता पर या हमारे सोनी जी को ये काम हम देते, इनको पता दीजिए, ये भेज देंगे पुस्तक आपको, पाराशर संहिता। उसकी पहली पंक्ति है जीवो जीवस्य जीवनम्, आपको भूमि तत्व किसी जीवाणु के माध्यम से लेना है। भूमि में कितने तत्व है? 108। कितने तत्व हैं? ये सारे 108 तत्व किसी जीवाणु के थ्रू ले रहे हैं। डायरेक्ट लेंगे वो घातक है। तो पहला तत्व है प्रोटीन, जिससे आपका शरीर बना। ये प्रोटीन किसी बैक्टीरिया के थ्रू लेना है। प्रोटीन के 3 सोर्स है, मांस, दाल और दूध। मांस में होता है 56%। कितना परसेंट? मैं थोड़ा 20 मिनट ज्यादा ले लू वैशाली जी? कहाँ है आयोजक? 20 मिनट ले लूँ क्या? 6:20 को ख़त्म करूँ? क्योंकि 20 मिनट आपने लेट दिया था मुझे, 6:20 तक ना, ठीक, क्योंकि विषय के अंदर जा रहा हूँ, समझना ज़रूरी है। ये प्रोटीन के कितने सोर्स हैं? कितने सोर्स हैं? पहला कौन सा है? मांस। कितना परसेंट है? 56। दाल में 12-18% और दूध में है 4, गाय के दूध में 4.7, भैंस के दूध में 8.7। मांस में कितना है? कितना है? और दाल में
12 से 18। अब बच्चे को प्रोटीन की जरूरत है, 20 साल के बाद प्रोटीन की जरूरत हमको ऐसी नहीं है कि उसके लिए प्रोटीन डाइट लेना पड़े। ये मेरा नहीं, जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन जिसका मैं संस्थापक हूँ, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष हमारे हर्षद पंडित जी कहते हैं कि 20 साल बाद प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं, 20 साल के पहले प्रोटीन लेना है। और आधुनिक विज्ञान बोलता है 1%। कितना परसेंट? कितने का? वजन का। अगर 20 साल का आपका बच्चा है तो 1% कितना होता है 20 साल का? 20 किलो का। 20 साल तक के बच्चा मान लो 19 साल का है, उसको 20 किलो वजन है उसका 200 ग्राम, तो 200 ग्राम रोज खाना पड़ेगा 19 साल के बच्चे को 20 साल होते तक, क्योंकि 20 साल के बाद शरीर आधा सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ता 20 साल बाद। तो 200 ग्राम प्रोटीन देना है, हम जाएंगे आज के पढ़े लिखे वैज्ञानिकों के पास, डॉक्टर के पास कि भैया हमें प्रोटीन चाहिए, तो डॉक्टर लैब में जाएगा और टेस्ट करेगा। सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ मिलेगा उसको? कहाँ मिलेगा? मांस में। तो डॉक्टर कहेगा संडे हो या मंडे, क्योंकि उसको दिख रहा है मांस में, फिर कहेगा सोयाबीन में 40%। सोयाबीन सुअर का भोजन, मेरे गुरु कहते थे दीपक सचदेव, ना उगाओ ना खाओ, सोयाबीन में है। और फिर किस में है? दालों में है, फिर आखिरी में दूध में है, और सबसे कम गाय के दूध में है 4.7। तो कोई सबसे कम वाला चूज करेगा क्या? ऑफिशियली नहीं करेगा, क्योंकि ऊर्जा अणु विज्ञान की दृष्टि में सबसे ज्यादा प्रोटीन हमको कहां काय में दिख रहा है? मांस में। अब यहां से ऊर्जा विज्ञान शुरू होता है। बोर हो रहे हैं क्या आप? बोर नहीं हो रहे? यहां से ऊर्जा विज्ञान शुरू होता है। देखिए अब कमाल, मांस के प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलना पड़ेगा, और अमीनो एसिड से एनर्जी में बदलता है, क्योंकि गर्भ में जो बच्चा होता है मां के गर्भ में, वो एनर्जी ट्रांसफर होता है नाल से नाल, मां के नाभि से बच्चे की नाभि में, मां की नाभि बड़ी ट्रांसफार्मर पावर हाउस, और बच्चे की नाभि छोटा ट्रांसफार्मर। तो मां के नाभि से बच्चे की नाभि में क्या ट्रांसफर होता है? दाल चावल नहीं होता कि माँ ने दाल खाई तो बच्चे में दाल चला गया। दाल एनर्जी में बदलता है, पहले अमीनो एसिड में बदलता है, फिर वो एनर्जी में बदलता है, फिर माँ की बच्चे की नाभि में जाके वो फिर अमीनो एसिड में बदलता है, और वो अमीनो एसिड से उसके शरीर की रचना होती है नाभि में, नाभि से गर्भ में। तो अगर वो मांस खाती है माँ, तो उसकी जो अमीनो एसिड है उससे दुर्गंध आएगा, और उससे जो ऊर्जा बनेगी उसको हमारे ऋषियों ने तामसिक ऊर्जा कहा। कौन सी ऊर्जा कहा? क्योंकि वो दुर्गंध वाली बनी। दाल की ऊर्जा को राजसिक कहा, उसमें वो भी तामसिक। आपने देखा होगा दाल सड़ता है 20 घंटे में, कितना दुर्गंध आता है? कुत्ते बिल्ली से ज्यादा दुर्गंध आता है, मरे कुत्ते बिल्ली से। उसको उसमें भी तामसिक है बहुत ज्यादा, पर उसको कहा राजसिक। और गाय का दूध, भैंस का दूध का मक्खन दुर्गंध आता है कि सुगंध? कुछ नहीं, जीरो, ना तामसिक ना रासिक, जीरो है, ना अच्छा है ना बुरा है। लेकिन गाय का दूध का मक्खन 2 दिन बाद उसमें सुगंध आता है, क्या होता है? वो भी प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, और उसकी जो ऊर्जा बनेगी उससे भी शरीर बनेगा। और 100 ग्राम मक्खन में मैं कहता हूं पूरा 100 ग्राम प्रोटीन है, बिना जांच के अपने हिसाब से। 100 ग्राम मक्खन में 100 ग्राम प्रोटीन है। आप 56 वाला काहे चूज कर रहे हो? 100 ग्राम प्रोटीन खाओ, 100 ग्राम मक्खन खाओ। अरे मैं कहता हूं 90 ग्राम भी बन रहा है तो मांस से तो ज्यादा बना। और इसलिए भगवान कृष्ण मक्खन खाए और चुरा चुरा के खाए, और उन्हें इतनी अपनी बाहुबली, वो इतने बड़े बाहुबली बने कि चारों मुष्टि और कंस को मुक्का मार के मार डाले। तलवार से मारते तो उनकी इज्जत नहीं होती दुनिया में, मुक्के से मारे इसलिए इतनी इज्जत है। ये मुक्का बाहुबली बने किससे? मांस खा के बने क्या? तो मां को सोचना है अपने घर में बच्चे को मैं दाल से बनवाऊं, उसका शरीर की दूध मक्खन से बनवाऊं कि मांस से बनवाऊं, और जब बच्चा बड़ा होता है तो भी तय करना है। अगर आप एक गाय नहीं रख सकते तो दुनिया के सबसे बड़े गरीब आप हैं, क्योंकि मांस खाना पड़ेगा आपको या दाल खाना पड़ेगा। गरीबी का पैमाना ही दूसरा है, मेरे गुरुजी कहते थे
तो हमें यहां से ऊर्जा विज्ञान, यानी हमें तय करना है हमें सात्विक ऊर्जा चाहिए से शरीर बनाना कि तामसिक से, कि ऐसे ही शक्कर खाओगे मिठास मिलेगी लेकिन वो तामसिक है, आपकी एनर्जी को घटा के फिर मिलेगी। देखो आपने स्टील में भी पानी पिया, प्यास तो बुझी लेकिन आपको उसके लिए कीमत चुकानी पड़ी ऊर्जा गंवाने की, पैसा चुकाना पड़ा आपको, जहां सारा पैसा खाली करना पड़ा दोनों जेब का, तब प्यास बुझी। आपको प्यास बुझाना है तो मिट्टी के बर्तन से बुझा लो, तांबा पीतल कांसा से बुझा लो, स्टील से बुझा रहा हो तो आपसे बड़ा गरीब कौन है। तो यहां कितने गरीब बैठे थोड़ा हाथ उठाओ, स्टील से पानी पीते हैं, सब गरीब हैं, दो चार छोड़ के। अरे जाओ ये सारे बर्तन कहीं करके, वैशाली जी ये सारे बर्तन घर के पिछवाड़े में कहीं गड़ा देना, और दहेज वाले मिले होंगे वो निकाल लेना, अपनी दहेज में नहीं माँ की दहेज में मिले होंगे, सासू माँ की कर दिए, निकाल लिया ना वो बर्तन। लेकिन तांबा भी रविवार को निगेटिव हो जाता है, ध्यान रखना। इस प्रकृति में हर जीव एक दिन के लिए निगेटिव होता है, उसको बोलते हैं ऋतुचर्या। हर रविवार को वो भी निगेटिव हो जाता है, इसलिए उस दिन मिट्टी का यूज करना या दोने पत्तल से यूज करना। तो ऐसा ऊर्जा विज्ञान है, बोलने चले जाएंगे तो बहुत लंबा, वापस जीवन विज्ञान पे आता हूं। किसी जीवाणु युक्त भोजन करना हमको, जो जीवाणु ने दिया हो ऐसा भूमि तत्व ग्रहण करना है। जीवाणु वाला प्रोटीन, जीवाणु ने दिया वो कार्बोहाइड्रेट, जीवाणु ने दिया वो जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब हमारे अंदर आयरन की कमी है वैशाली जी, किसकी कमी, और हर महिलाओं में होती है, यहां पर ब्लैकेस आ जाता है और बहुत थकान है, हीमोग्लोबिन कम है। वो कैसे करेंगे जीवाणु युक्त, चार दिन में बन जाएगा जीवाणु युक्त आयरन। क्या होगा, आप गाजर या मूली जैविक की लाना, ना मिले तो अनुमति देता हूं रासायनिक की ले आना। आप कहोगे जैविक के गुरुजी रासायनिक क्यों रिकमेंड कर रहे हो, फिर गरीबी में ले आना, नहीं मिला तो लाना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि हमको निकालना किससे है, गाजर और मूली। और इसके मास्टर जो है ना वो विजय सोनी जी हैं, ये बताता हूं मैं। दुनिया में एक व्यक्ति है जो डंके की चोट में कहता था ऐसा खान पान नहीं करोगे मरोगे, लेकिन वो क्या है थोड़ी उद्वेलित होके बोलते हैं, शांत चित्त से बोलना है, रुक के बोलना है, धैर्य से बोलना है, जहां बोलने की अनुमति हो वहीं बोलना है, नहीं तो वापस घर जाना है। जीवाणु युक्त भोजन करना पड़ेगा आपको, और ये इनके शिविर में मैंने जाके सीखा है। इसलिए गुरु जी के गुरु है हमारे सोनी जी। जीवाणु युक्त भोजन कैसे करना, अभी मैं आपको गाजर मूली से ऑक्सीडाइज जीवाणु युक्त आयरन निकालना सिखाता हूं। आप चुकंदर ले आना, गाजर ले आना, उसको काटना, और रासायनिक होगी तो अग्निहोत्र भस्म में डाल करके और थोड़ा रखना आधा घंटा उसको, और चाहो तो हल्का पका लेना, इतना पकाना कि गर्म बस हो, उसके अंदर के सारे बैक्टीरिया थोड़ा मर जाए, अध पका इसको, ठीक है, उत्ता पकाना, निकाल लेना, अलग कर लेना वो पानी, अलग कर लेना, और उसको 100 ग्राम गाजर या चुकंदर को, लाल वाला चुकंदर जानते हो ना, उसको डालना 1 लीटर पानी में, और उसमें काली मिर्च, सेंधा नमक और सरसों का भुकनी, सरसों की भुकनी जानते हो, जानते हैं क्या सरसों की भुकनी, अरे सरसों जो निकल जाता है ना, राई जिसको बोलते हैं, जो हम अचार में यूज करते हैं, दो दाने होते हैं सरसों की, वो डाल देना, कितना स्वाद अनुसार, ज्यादा भी नहीं, और 4 दिन धूप में रखना, और उसके बाद छाव में रखना 2 दिन, 6 दिन में आपका तैयार। इसको बोला जाता है कांजी, क्या बोला जाता है, कांजी, हमारे सोनी जी सिखाएंगे इसको जोरदार तरीके से, कांजी बोला जाता है इसको। और ये कांजी आप पीजिए 1 महीना, डाइजेशन भी बहुत बढ़िया, कोई गैस की गोली लाने की दुनिया की कोई जरूरत नहीं, ये सब जो है बैक्टीरिया नाशी, सारी एलोपैथिक की गोलियां पेट के बैक्टीरिया खत्म करेंगे। आप ये कांजी पीजिए, पेट भी साफ, और फ्री में मिल गया गाजर और चुकंदर का बनाए थे तो आयरन, हीमोग्लोबिन ठीक।
अब आंखों में दिक्कत है तो मुनगे का बनाना, बालों में दिक्कत है तो आंवले का बनाना, न्यूट्रिशन देख के बनाते रहना, बाकी ट्रेनिंग हमारे सोनी जी देंगे। आगे बढ़े, अब हमको चाहिए ग्लूकोस, तो आम की डाली का पका हुआ आम, या हमारा जो है एथिलीन ऑक्साइड निकाल के पका हुआ केला, या कागज में अखबार में लपेट करके पकाया हुआ पपीता, या नेचुरल पके हुए फल जो आपके पास है। अभी बेर मिल रहा है, बेर ले आओ, जो मिलता है वो ले आओ, लेकिन नेचुरल पका हुआ। फिर कंद ले आओ, कौन से कंद, गाजर, मूली, कोलजी, सलजम, ठीक है, और मूल, कंद मूल और फल, क्या लाना है, कंद मूल और फल लाना है, और पत्ते, पालक, मेथी, धनिया। अब ये पालक मेथी के पत्ते आप खाओगे तो कैसे खाओगे, खाने में कड़वे लगेंगे, तो एक चटनी बताता हूं, रेसिपी लिख लो। चटनी क्या है, चटनी है अदरक, 10 ग्राम अदरक कुचल लो, इसमें 5 ग्राम सेंधा नमक और 2.5 ग्राम काली मिर्च डाल के कुचलो, 10 ग्राम अदरक, 5 ग्राम सेंधा नमक, 2.5 ग्राम काली मिर्च, अच्छा कुचल लो, और 10 ml नींबू निचोड़ लो, ये क्या बन गई, चटनी, और बहुत स्वादिष्ट चटनी। किसी को उल्टी हो रही है, पेट में दर्द है, ये चटनी चटा दो, 30 सेकंड लगते हैं दिमाग ठीक होने में, मतलब दिमाग को अच्छा लगने लगेगा, और 10 मिनट लगते हैं पेट को ठीक होने में, 10 मिनट बाद वो व्यक्ति बोलेगा भोजन ले आओ, जितना बना है सब ले आओ, उल्टी तुरंत ठीक होती है इससे, ठीक है। ये जैविक चटनी है, ये चटनी उसको खाना है, कैसे, पत्ते डुबा डुबा के खाओ, ऐसे पत्ते लगाओ और खाओ, बहुत आनंद आएगा। मैंने अभी वीडियो डाला जीवित भोजन का, कितने लोगों ने देखा, हाथ उठाओ, नहीं देखे, आप जैविक किसान की पाठशाला यूट्यूब सर्च करो, उसमें है ये सब वीडियो, ठीक है। तो ये जीवित जो है, आप ये जीवित भोजन करो, ऐसा 7 दिन करो, कितने दिन, और अगर 7 दिन दोनों समय, अच्छा समय क्या है, जैविक घड़ी के अनुसार सुबह 7:30 से 9:30 करना, और शाम को 3:30 से 5, जैविक घड़ी के अनुसार, और नहीं कर सकते तो एक समय भोजन करो, पर एक अनाज खाना, और अनाज में गेहूं मत खाना, ज्वार, बाजरा, मक्का और एक सब्जी, तो शाम को एक अनाज और एक सब्जी 5 बजे, और सुबह पूरा कंद मूल फल पत्ते, और कुछ नहीं खाना, अंकुरित अनाज की भी अनुमति नहीं देता मैं, जीवित भोजन में 7 दिन करना, आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, नींदी आना सब नॉर्मल हो जाएगा, ओनली 7 दिन, और नहीं होगा तो इसको थोड़ा बढ़ा के ले जाना, 8 दिन 15 दिन, अधिकतम 21 दिन में तो सब ठीक हो जाएगा। एक महिला है, वो गजनी हो गई थी, गजनी समझते हो, गजनी कितने मिनट में भूल जाता था आमिर खान, कितने मिनट में उसका माइंड खत्म हो जाता था, 15 मिनट, वो महिला भूल जाती थी आधे घंटे में कि मैं नहाई हूं कि नहीं, खाना खाई हूं कि नहीं, वो ठीक हो गई 30 दिन में। तो दवा कराने की कुछ जरूरत नहीं, जीवित भोजन करो, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ रहो, आप ठीक हो जाओगे, ओनली 7 दिन। इसको मैं बोलता हूं जैविक जीवन शैली। ये जैविक जीवन शैली के आधार पर, ऊर्जा विज्ञान और जीवन विज्ञान के आधार पर जीना, अभी मैं बताता हूं खेती करना। तो मेरा स्लाइड जरा चलाएंगे, ठीक है, वो नाबार्ड प्रेजेंटेशन की साइड चलाइए। ये जो है जीवित खेती करवाना और जीवित भोजन करवाना, इसके लिए मैंने भारत भर के सब किसानों की एक कंपनी बनाई है, राह क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये बनाई 22 से 19 फरवरी 2019 को, मैंने पूरे देश के लगभग 19 राज्यों के 950 लोगों को मेरे गांव बुलाया, सबको बैठ बुला कि ये जीवित भोजन और जीवित खेती हमको समाज को देना है कि नहीं, सबने बोला देना है, देना है तो किसी फर्म या कंपनी चाहिए भारत सरकार के हिसाब से, तो सबने हाँ बोला। तो ये हमारे मेरे बाजू में इस तरफ बैठे हैं, वो हैं जो है सुधीर विध्वंस औरंगाबाद के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, जोरदार उनके लिए तालियां। और इसके बाजू में जो बैठे हैं वो कर्नल मिश्र हैं, वो हमारे जो हैं बस्ती के, यूपी बस्ती के हैं, वो राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख है। तो इनकी अध्यक्षता में मैंने ये
करवाई और ये हमारी कंपनी बनी। कितने इस कंपनी में कितने राज्यों के सदस्य हैं? केवल जैविक किसान इसमें सदस्य होगा, बाकी शेयरधारी सदस्य है, ठीक है, वो भी है, शेयर लेके सदस्य ले सकते हैं, बाकी सब भी शेयर ले सकते हैं, पर जो किसान है वो केवल जैविक किसान इसके उत्पादक सदस्य बनेंगे। और ये मोदी सरकार की योजना है FPO, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। अब ये कंपनी बनी, इसमें हम खेती करने के लिए भूमि उपचार अभियान शुरू किए। ये अभियान मैं वीडियो के माध्यम से बाद में बताऊंगा। इस अभियान के लिए हमने बैक्टीरिया लिया, कंटिन्यू बढ़ाना फटाफट, हमने बैक्टीरिया लिया, ये बैक्टीरिया लिया नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, ये नाइट्रोजन के चार बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन के खींच के पौधे को देते हैं। ईश्वर ने नाइट्रोजन देने की व्यवस्था इन बैक्टीरियों को दिया है, हम जबरदस्ती उसमें गौमूत्र से या यूरिया से देते हैं, हम दे रहे हैं तो गड़बड़ होगा, ये बैक्टीरिया देंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। आपने देखिए जहां कभी जुताई नहीं हुई, खाद नहीं डाला, उन पेड़ पौधों कभी पीले पड़े क्या? क्योंकि उनको ये बैक्टीरिया भोजन दे रहे हैं। ये बात करते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहते हैं हमको ग्लूकोज दो, मीठा तत्व तो एनर्जी के लिए, बदले में बैक्टीरिया ये उनको नाइट्रोजन देते हैं। ऐसी फास्फोरस, नेक्स्ट, फास्फोरस और पोटास के बैक्टीरिया हैं, ये डिकम्पोजर के बैक्टीरिया हैं, ये जो जमीन के अंदर जो जड़ रहता है उन जड़ों को डिकम्पोज करते हैं। अगर हम डिकम्पोज करके खाद डाल रहे हैं, चाहे आप जैविक खाद डालो, कंपोस्ट खाद, ये अव्यवहारिक है और अपूर्ण है, कभी पूर्ण नहीं होगा, इसलिए कोई भी कंपोस्ट खाद मत डालिए। आप तो ये कंपोस्ट करने वाला बैक्टीरिया खेत में डालिए, घर में सोइए, वहां खाद बनते रहेगा। आप खाद की फैक्ट्री मिट्टी के नीचे लगा दो, आप मत बनाओ खाद, आप बना रहे हो मतलब अपूर्ण हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूं बो और घर जाके सो, ये सब बैक्टीरिया भोजन देंगे, ये सारे बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया जिंदगी भर में एक बार आपको लेना है, कितने बार लेना है? एक बार। तो अभी मुझे भारत सरकार की एक संस्था मिली IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, वो से उससे मैं जो है बैक्टीरिया लेता हूं, हमारी कंपनी लेती है, किसानों को भी देती है। नाइट्रोजन का बैक्टीरिया, फास्फोरस का बैक्टीरिया, पोटास का बैक्टीरिया, जिंक का बैक्टीरिया, सल्फर का बैक्टीरिया, फिर फंगस खत्म करने वाला बैक्टीरिया, ब्लास्ट खत्म करने वाला बैक्टीरिया, डिकम्पोज करने वाला बैक्टीरिया, फिर ये सारे बैक्टीरिया लेते हैं। एक एक ये दो दो कैप्सूल हम चाहिए, एक एक कैप्सूल हम दे रहे हैं, दो दो कैप्सूल ये ले लो, और इन कैप्सूल को क्या करो, सबसे पहले 10 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ डाल के उबालो, इसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन, जैसे दूध को उबालते वैसा, कोई बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। फिर जब ठंडा हो जाए तब उसमें एक एक कैप्सूल डाल दो, और डालने के बाद नेक्स्ट करो, डालने के बाद जो है बस इसी में रखना, डालने के बाद उसको 4 दिन रखो, 4 दिन में वो दही जैसा हो जाएगा, कैप्सूल कल्चर, मदर कल्चर तैयार हो जाएगा। उसमें से 1 लीटर लेना, 200 लीटर पानी में डालना, 2 किलो गुड़ डाल देना अगले स्टेप में, तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा खाद, यानी वो बन जाएगा, वो जो 1 लीटर का बैक्टीरिया वो 200 लीटर में आ गया, एक एक ml में सारे बैक्टीरिया हैं। अभी एक बैक्टीरिया इफको कंपनी देती है 300 रुपए की, आधा लीटर, 1 लीटर कितने की हो गई, कितने की हो गई, एक बैक्टीरिया। हम यहां पर दे रहे हैं 9 बैक्टीरिया, कितने दे रहे हैं, तो 1 लीटर इफको में जितना है, सरकारी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, कितना है, 20 लाख प्रति ml बैक्टीरिया 1 लीटर में। हमारी ये 200 लीटर बना उसमें भी 20 लाख प्रति ml है, और 9 बैक्टीरिया 20 लाख, 1,80,00,000 बैक्टीरिया 1 ml में। तो ये जो है, जो हमने 1 लीटर लिया उससे 200 लीटर बनाया उसके अंदर भी है, तो हमारा 200 लीटर कितने का बन गया, 600 इंटू करो पहले 9, 1,800 रुपए का 1 लीटर, तो 200 लीटर बन गया। पड़ोसी को 1 लीटर दे देना, वो भी बना लेगा, उस पड़ोसी को दे देना, वो भी बना लेगा। बढ़ते जाओ, हमको दही लाना है एक बार बस, इसलिए रिकमेंड किया। यहां गोकृपा अमृत भी आया है, गोपाल सुतारिया जी का, उनके भी गोकृपा अमृत में बहुत सारे बैक्टीरिया, वो भी ले सकते, वो भी निःशुल्क देते हैं, हम भी निःशुल्क देंगे 21 को, यहां जीवाणु गोली से बना हुआ। मुझे किसी कंपनी के थ्रू करना था, इसलिए उनको सीधे मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर अभी कंपनी प्रमोट हो रही है, तो हमने IISR से लिया, उनका भी प्रमोट करते हैं,
फ्री का उनसे ले लो या एक एक कैप्सूल ले लो, दोनों मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले रहे हैं और प्योर बन के आ रहे हैं। और कैप्सूल कल्चर जीवाणु खाद की दुनिया में अभी तक की सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी टेक्निक है, ये मैं कह रहा हूँ। तो ये जिनने एक डाला है ये 2000 लीटर ये घोल, उनकी मिट्टी मक्खन हो गई। उनमें से कौन किसान यहाँ है? अमित है क्या यहाँ पर? अमित है भोपाल के, बाहर गए, उनका खेत जाके देखो मक्खन। अब वो केवल बोते हैं, घर जाके सोते हैं और बस निंदाई गुड़ाई करते हैं, और थोड़ी सी जगह में निंदाई गुड़ाई का पैसा जो है वो लेबर से निकाल लेते हैं प्याज का बीज बना के, ठीक है। तो इस तरह से सारा काम जो है होता है। ये सारे बैक्टीरिया हमारे खेत में होने चाहिए। जिन किसानों ने डाला है उनकी मिट्टी अच्छी हो गई। एक वीडियो चलाना चाहूंगा मैं, वीडियो चलाइए जरा। यह प्रक्रिया खेती की अनेक समस्याओं, पिछले 10 वर्षों से बहुत से किसानों ने इस तकनीक का उपयोग करके अपनी मिट्टी को मक्खन जैसी मुलायम बना लिया है। मिट्टी स्वस्थ हो गई है, भूमि जनित बीमारियों से निजात पा लिया है और बड़ी सहजता से बड़े रकबे में जैविक खेती करना शुरू कर दिया है। आइए इस तकनीक की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। अभी कृषि भूमि की दो बड़ी समस्या है। पहली, मिट्टी का लगातार सख्त होना। लगातार मिट्टी कठोर होती जा रही है, हमें ज़्यादा जुताई और गहरी जुताई करनी पड़ रही है। और दूसरी समस्या है जड़ों का सड़ना। लगभग सभी फसलों की जड़ें फंगस से प्रभावित हो रही हैं और उन जड़ें काली या लाल पड़ रही हैं। धान की जड़ें तो लगभग 98% तक लाल पड़ जाती हैं, पर फसल स्वस्थ तो दिखती हैं पर अंदर जड़ी पूरी सड़ी हुई होती हैं, लाल होती हैं या काली होती हैं। इसके वजह से 200% तक उत्पादन घट जाता है। इस समस्या के संपूर्ण समाधान के लिए जैविक किसानों के संगठन राह एपीओ कनई ने इसे एक अभियान बनाकर इस प्रक्रिया को हर किसान तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। भूमि उपचार की प्रक्रिया का पहला कार्य मिट्टी की ऊर्जा की जांच है। आप पेंडुलम विधि से या वैद्य राजेश कपूर विधि से मिट्टी की ऊर्जा की जांच स्वयं कीजिए, और यदि आपकी मिट्टी निगेटिव समझ में आती है, आपकी जो है मिट्टी को आपके बाएं हाथ से पकड़ने से दाहिने हाथ की ताकत कम होती है, तो आपको 50 ग्राम अग्निहोत्र भस्म को 200 लीटर पानी में मिलाकर उस मिट्टी में स्प्रे करना है, या अग्निहोत्र भस्म को सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर जमीन में जाने देना है। 2-3 बार ऐसा करेंगे तो आपकी मिट्टी पॉजिटिव हो जाएगी, और जब मिट्टी पॉजिटिव हो जाएगी तो वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा चक्र चलने लगेगा। आपकी मिट्टी में पॉजिटिव एनर्जी रहने से फसल के मित्र जीवाणु, फसल को बढ़ाने वाले और फसल को बचाने वाले मित्र जीवाणुओं को बढ़ने का अवसर मिलने लगेगा। अब आपको इन मित्र जीवाणुओं को जीवाणु घोल बनाकर या पंचगव्य घोल बनाकर या सजीव जल घोल बनाकर डालना है। इन जीवाणु घोलों में विभिन्न तरह के मित्र जीवाणु आ जाते हैं। इन्हें हमें खेत में 2,500 लीटर का टैंक बनाकर और वेंचुरी बॉक्स लगाकर इनको सिंचाई के पानी के साथ भेजते रहना है। 2000 लीटर जीवाणु घोल कृषि भूमि में भेजने का कोर्स आपको 1 या 2 वर्ष में पूरा करना है। ऐसा करते ही आपकी मिट्टी मुलायम बननी शुरू हो जाएगी। जीवाणुओं के अच्छे विकास के लिए आपको 1% कार्बनिक खाद मिट्टी में हो, इसका भी ध्यान रखना है। जीवाणु घोल डालते समय
जैव रसायन और षडरस ये मिलाकर डालने से जीवाणुओं की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और जो है आपको परिणाम तेज़ी से प्राप्त होते हैं। षडरस ना हो तो केवल छाछ या मही जीवाणु घोल में मिलाकर जमीन में जाने दीजिए। अगला कार्य, माइकोराइजा नाम का कवक सूक्ष्म जीव मिट्टी में डालना है। इस जीव को हम मिट्टी का राजा और फसलों का हनुमान कहते हैं। यह जड़ों को बढ़ाता है। जमीन के अंदर दूर पड़े हुए खनिज तत्वों को लाकर जड़ों के अंदर डालता है। जमीन के नीचे पानी की नमी तक जाकर पानी उठाकर पौधों के अंदर डालता है। इस तरह से यह अनेक कार्य करता है, इसीलिए इसे हम खेती का हनुमान और फसलों का राजा भी कहते हैं। किसान को इस जीवाणु को मिट्टी में जमीन में अवश्य डालना है। 2 वर्ष के अंदर जब भी समय मिले, मिट्टी की जुताई के समय, सिंचाई के समय, गुड़ाई के समय, इस जीवाणु खाद को किसान को खेत में जमीन पर ही डालना है। आप सिंचाई के पानी के साथ या जीवाणु घोल के साथ भी इसे मिलाकर जमीन में डाल सकते हैं। भूमि उपचार का अगला कार्य, कीट भक्षक घोल मिट्टी में डालना है। कीट भक्षक घोल मेटारिजियम और वर्टिसिलियम दो तरह के वायरस से तैयार होता है। यह दोनों तरह के वायरस जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर फसलों में लगने वाले लगभग 54 तरह के कीटों को संक्रमित करते हैं। यह उन कीटों के अंदर जाकर उनकी मांस मज्जा को खा करके और उन्हें संक्रमित करके समाप्त कर देते हैं। जमीन के अंदर जितने भी कुतरने वाले कीट हैं, जैसे दीमक, वाइट ग्रब, इन सब को मेटारिजियम संक्रमित करके बीमार करके समाप्त कर देता है। इनके ऊपर के जितने भी कीट हैं, जैसे इल्ली, माहू, मच्छर, तेला, चेपा और मिलीबग, इनको वर्टिसिलियम लेकानी नाम का वायरस संक्रमित करके समाप्त कर देता है। इसीलिए इन दोनों वायरस को सिंचाई के पानी में मिलाकर 1 एकड़ जमीन में 1 वर्ष में 3 से 4 बार जाने देना है। भूमि उपचार करते समय किसानों के कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जैसे रासायनिक खेती करते समय हम भूमि उपचार कर सकते हैं क्या? तो हाँ, आप कर सकते हैं, पर यूरिया DAP डालने से पहले राह FPO कने का सजल 84 नाम का लिक्विड आप इसमें यूरिया DAP में मोयन कर लें, ताकि इससे रासायनिक खाद का जो दुष्परिणाम है वो हमारे जीवाणु और मिट्टी में सीधा ना पड़े। खरपतवार नाशक डालने के पहले जीवाणु घोल नहीं डालना है। बाजार का कोई भी केमिकल फंगीसाइड और बैक्टीरियासाइड ये नहीं डालना है। इसकी जगह जैविक फंगीसाइड या बैक्टीरियासाइड जो प्राकृतिक खेती शोध संस्था या राह FPO सिखाती है वो डालना है, या राह FPO से जैविक फंगीसाइड या पेस्टिसाइड खरीद कर डालना है। जीवाणु खाद की दुनिया में कैप्सूल कल्चर तकनीक अभी तक की सबसे सुरक्षित और प्रभावी तकनीक है, जिसे जैविक किसान उत्पादक संस्था राह FPO उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा केरल के डॉक्टर के नटराजन की पंचगव्य तकनीक, बंसी गिर गौशाला की गोकृपामृत तकनीक, सजीव जल और अमृत जल, अमृत पानी जैसी तकनीक भी जीवाणु संवर्धन के लिए प्रभावी पाई गई हैं। इनमें से किसी का भी उपयोग करके अपनी मिट्टी को मक्खन जैसी मुलायम बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। भूमि उपचार की इन 5 कार्यों को पूरा करें और अपनी मिट्टी को, अपनी फसल को स्वस्थ बनाएं, यही हमारा आपसे आग्रह है। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आप जैविक किसान की पाठशाला YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।
कैसा लगा, खेती सरल हुई कि नहीं हुई? अग्निहोत्र भस्म डालना है, जीवाणु घोल डालना है, दो वायरस डालने हैं। जैसे कोरोना मनुष्य के लिए घातक है, वैसे दो वायरस और माइकोराइजा। इस पर मेरी दूसरे विद्वानों से कहते हैं कि सब कुछ मत डालो बाहर से, विज्ञान है, खोजा है उसने, खोजा है ना। ये तो 450 मिलियन साल पहले सब, जब धरती में कोई जीव नहीं थे, पेड़ पौधे नहीं थे, तब माइकोराइजा था। आधुनिक विज्ञान ने हमें बताया ना, वो हमें दे रहे हैं तो डालिए है, चार बार आपने लाखों रुपए खर्च किया है रसायन में, तो ये थोड़ा खर्च कर लो अपनी टेक्निक में। जिंदगी में 3-4 बार डालना है, फिर 100 एकड़ में खेती करो बिना टेंशन की, वेंचुरी लगाओ। एक हमारे विनय जी दिख रहे थे इसमें, वो एक आदमी को रखे हैं खेती के लिए 60 एकड़, और जबलपुर में रहते हैं, बच्ची को शायद बाहर इंदौर पढ़ाते हैं कहीं, बिना टेंशन की खेती करते हैं, केवल स्प्रे करने एक आध दो बार जाते हैं सडरस वगैरह का, बस बढ़िया खेती कर रहे हैं। तो ऐसा खेती करना, बोना घर जाके सोना, कहाँ इतना ज़्यादा खेती में बड़े बड़े प्लाऊ लाओ, ये करो वो करो, इतना सरल है खेती, जबरदस्ती के हमने। आने वाले समय में आपको बताऊंगा, हर फसल बिना जुताई में करवा दूंगा मैं। मिट्टी मक्खन करो, अरहर धान, अरहर मूंग मटर मसूर जौ जई ज्वार बाजरा, सब सब्जी के बीज बिना जुताई के करा दूंगा। जोतना भी नहीं, हल बैल भी अलग कर दो, बैल केवल ढोने के लिए रखो, बताएंगे हम आपको। और जबलपुर में मेरा केंद्र है बरेला में, ठीक है। तो जबलपुर में हम इस साल पूरे, अभी मैं पहले भोपाल में विकसित करने की कोशिश कर रहा था पर नहीं हो पाया, वहाँ की ज़मीन हमारी खुद नहीं थी तो वो उनसे मालिक से पटी नहीं। जबलपुर में है बरेला में, आप आइए वहाँ, हर महीने हम ट्रेनिंग देते हैं वहाँ। मैं बिना जुताई की खेती और बम्फर फसल दिखाऊंगा कि कैसे हम एक धनिया लगाते हो इतना बड़ा गुच्छा कैसे बन जाता है, जो है पालक जैसे गुच्छा कैसे बनता है धनिया का दिखाएंगे, हर फसल कैसी स्वस्थ है। लाइव वीडियो मैंने दिखाया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अब मिलके जो है बढ़िया करते हैं। किसान है बहुत अच्छी खेती करें, शहर में रहते हैं जैविक जीवन जियो, स्वस्थ रहोगे, दुनिया से मतलब दुनिया की सारी वो दिक्कतें कुछ नहीं आएगी, ना शारीरिक ना मानसिक ना बौद्धिक। जैविक जीवन जिए, निगेटिव एनर्जी से दूर रहिए, निगेटिव लोगों से भी दूर रहिए, दूर से प्रणाम कर लीजिए। कोई ने गलत सोचा कि प्रणाम कर लो, फिर कभी वो अच्छा सोचेगा तो दाना, ये सोच का भी क्या प्रभाव होता है। आप अगर नरेंद्र मोदी के बारे में गलत सोचते हैं और 2 साल बाद मिलेंगे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेके कि हम दुनिया को बचा लेंगे, नरेंद्र मोदी देखते ही आपको कहेगा अभी जाओ मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि गलत सोच हमारा जा रहा है। ये सोच जो है ये तरंग होती है, जैसे मोबाइल से क्या जाता है तरंग, एग्जैक्ट उसी मोबाइल में जाता है ना, वैसे जिसके खिलाफ गलत सोचोगे तो जाया नहीं है, उससे संबंध खराब होंगे, और जिसके खिलाफ अच्छा सोचोगे उससे संबंध बन ही जाएंगे। मैं सोचता हूं आप मेरे प्रति अच्छा सोचो, बस आप मुझसे प्रेम करो, मेरे से अच्छा सोचो, यही मैं चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे मनोज भाई को धन्यवाद, वैशाली जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली जी की आवाज इतनी अच्छी है कि मैं अगर मुझे टाइम दे तो इनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ले सकता हूं मैं, जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन की। और उसके लिए मैं लिखित में जो है आपके किसान संघ से प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे, आप अगर हमारे संगठन में आ जाएं तो हमारे 4 चांद लग जाएं, बाकी तो सब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हमारा शिवेंद्र जी आप नंबर दे दो लोगों को, ठीक है। कितना समय बचा अग्निहोत्र का, 13 मिनट, ये नंबर दे दो और लाइव अग्निहोत्र करके हम आज का सेशन समाप्त करेंगे, आ जाओ। हमारे शिवेंद्र जी हैं, कार्यकर्ता में क्या गुण होते बता देता हूँ, 4 गुण हैं कार्यकर्ता। पहला है बुद्धिमानी, बुद्धिमानी होना चाहिए, बुद्धि नहीं होगी क्या काम दोगे भाई, कोल्हू में तेल पेरना उसमें भी बुद्धि लगती कि नहीं लगती, बुद्धिमानी। दूसरा है ईमानदारी, ईमानदारी मतलब जो काम दोगे उसको करेंगे, बुद्धिमानी से करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे मतलब एक चीज़ हमने खोजने भेज दी तो इधर का चूल्हा खराब हो गया, रोटी जल गई, वो चीज़ खोजने में लगे, गुरुजी ने भेजा है, अरे भी रोटी का भी ध्यान रखना है। तो अभी बुद्धिमानी के साथ दूसरा काम क्या है, ईमानदारी। तीसरा है समर्पण, समर्पण मतलब पूरा समर्पित। अब गुरुजी समर्पित हो गए ना, अब फिर अलग से बुद्धि नहीं लगाना, समर्पण भी 100% होना चाहिए। और पाँचवा है बुद्धिमानी, ईमानदारी, समर्पण, और पांचवा है ईश्वर के प्रति निष्ठा। आपको ईश्वरवादी होना बहुत जरूरी है कार्यकर्ता बनने के लिए, नहीं तो गड़बड़ होगा। ये 4 गुण हमने इससे दिखे, हमने पूरी राह कंपनी जिसका टर्नओवर अगले 2 साल में 1000 करोड़ का होना है इसको उसका चेयरपर्सन बना दिया, ठीक है, सबसे कम उम्र का लड़का।
और वास्तव में नहीं, ऐसे ही नहीं बना दिया, हमने गुण देखे, ऐसे नहीं बना देता मैं किसी को, ठीक है। ये कर रहे हैं काम, तो आपको नंबर दे रहे हैं, ये इनका नंबर लीजिए। और जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन हमने बनाया है, मिशन अलग है, कंपनी अलग है, कंपनी ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए, मेरा उससे लेना देना नहीं है, मेरा उससे लेना देना नहीं, सीधा मैं एक सदस्य हूँ बस उसमें, ठीक है। तो ये जो है इनके थ्रू आपको सब, अभी हमने बहुत अच्छा जो है वॉशिंग पाउडर बनाया है, बहुत अच्छा लिक्विड वॉशिंग लिक्विड बनाया है, दो बूंद डालो और कपड़े को दो बार फींचो, पॉजिटिव आप फींचोगे ना बढ़िया खुशबू आएगी और उसको बढ़िया अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने जैविक तरीके से बनाया है, वॉशिंग पाउडर, निरमा, ठीक है, फिर दाल चावल तेल, कंघी लकड़ी की कंघियाँ बना रहे हैं, गोबर के जूते चप्पल बना रहे हैं, बहुत सी चीज़ें, वैजयंती की माला बनाई है, बहुत हमारे यहाँ बन रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये बना रहे हैं, इनको कॉल करोगे ये कल्चर वल्चर भी ये उपलब्ध करा देंगे। और हमको कोई बहुत फ़ायदे में नहीं हम कर रहे हैं कि हम बहुत फ़ायदे में कर रहे हैं, हाँ इतना फ़ायदा ज़रूर ले रहे हैं कि हमारी कंपनी चल सके, कंपनी का मिशन विजन कम्प्लीट हो, कंपनी का भी ऑफिस बने, हम मिट्टी का ऑफिस बना रहे हैं अपने गाँव में, और मिट्टी का ऑफिस पूरा सब वैदिक पूरा जैविक तरीके से, फिर अब बढ़िया बन जाएगा, तो आप सब आइएगा, वहाँ रहना है, और दो हर साल मैं वहाँ करूँगा, जो हमारे जो अच्छे हमारे जो वेल विशर हैं उन सबको हम बुलाएंगे ही, तो आप सब उसमें 10-20 हज़ार 1-2 लाख का शेयर भी खरीदिए, 100 रुपये का एक शेयर है, और जो भी कंपनी को फ़ायदा होगा सबके बीच में बढ़ जाएगा। अभी गुजरात के लोग बिना मेरे से मिले खूब शेयर खरीद रहे हैं, पता नहीं उनको मेरे पर क्यों भरोसा है, या वहाँ के लोग शायद उन जानते हैं कि बेलजी भाई में पैसा लगा दो पैसा मिलने, हाँ इस कंपनी की 100% मैं गारंटी लेता हूँ, एक भी इसके लोग कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, ठीक है, मैं जो बोलूँगा वही होगा और जो बोलूँगा उसी का प्रोडक्शन होगा। पहले मैंने और भी कंपनियों पर हाथ रखा लेकिन वो मेरी बात मानते नहीं, इसलिए वो सब उनसे अलग ही हो गया मैं, अब ये मेरी खुद की कंपनी है समझ जाइए। उसके डायरेक्टर हैं शिवेंद्र अजीत जी, शिवेंद्र जी अपना नंबर दो और अग्निहोत्र का पात्र जलाना जी। नंबर, मैं शिवेंद्र अजीत, राह क्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी कनई का डायरेक्टर, मेरा मोबाइल नंबर है 6265506168, फिर से एक बार 6265506168 68, और एक दूसरा नंबर है 9752006806, दोनों में व्हाट्सएप अवेलेबल है 9752006806। शिवेंद्र अजीत, शिवेंद्र ठीक है। तो अग्निहोत्र तक थोड़ा ये हम कर ही लेते हैं। तो इस तरह से ये जैविक किसानों की कंपनी है, आप भारत भर के सारे जैविक किसान इससे जुड़ सकते हैं। हमें अभी जो है हम 70 तरह के उद्योग लगा रहे हैं हमारे गांव में, जो आदिवासी कभी ट्रेन में नहीं बैठे अगले साल उनको प्लेन में बैठाने का वादा है मेरा उनको सबको, जो मेरे डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक एक उद्योग संभाल रहे हैं, उनको बोला है तुम उद्योग संभालो, सबको प्लेन में जहाँ बोलोगे दार्जिलिंग वहाँ ले जाऊँगा, नैनीताल ले जाऊँगा, मेरा नेपाल में भी बहुत अच्छे किसानों का समूह है, तो ऐसे आदिवासियों के साथ काम कर रहा हूँ। अभी 1200 महिलाएँ कपड़े बना रही, जैविक कपड़े, ये जो कपड़े देख रहे हैं ना मेरे, ये कपड़े पहन लो तो भूख ना लगे, इतनी एनर्जी इनमें, ऑर्गेनिक कपड़े हैं, ये कॉटन भी ऑर्गेनिक का है, और ये सब देखिए वो सब बना रहे हैं, तो महिलाएं बना रही हैं मंत्र के उच्चारण करके बना रही महामृत्युंजय, तो कोई इनको पहन ले तो कई तरह की बला भी टलेगी ऐसा हमारा कहना है। तो अब ये है हम जो है लाइव ये जो है करेंगे, तो मंच मैं आज का विषय जो है यहाँ समाप्त करता हूँ। सभी आयोजकों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुझे जो है कल से डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ मैं आयुर्वेद के, और पुणे जा रहा हूँ, वहाँ पर जो है रंग चिकित्सा और गंध चिकित्सा से हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, 3 दिन का पूरा सेशन है, तो अभी रात में मैं निकल जाऊँगा, लेकिन मेरी पत्नी मिताली और शिवेंद्र अजीत जी यहाँ रहेंगे।
आप सब इनका जो है बढ़िया अगले 3-4 दिन सहयोग करें, और हमारे कुछ किसान हैं उनसे फटाफट परिचय कराऊंगा। अविनाश सिंह दांगी जी हैं, इधर ये सामने आइए, चल के आइए, जरा जोरदार इनके लिए जोरदार तालियां। ये हमारे बहुत अच्छे जैविक किसान हैं, और ये मेरे ट्रेनिंग में कभी नहीं आए, पर ये कई चीज़ें बनाते हैं, और इनका सामने स्टॉल भी है, और ये हमारे खरगोन जिले के जिला अध्यक्ष हैं मिशन के। जोरदार इनके लिए तालियां, तालियां बजाइए। हमारे जो हैं, ठीक है, यहीं खड़े रहिए। हमारे जो है हरदा से हैं खोरे जी, पूरा नाम क्या लिखते हैं, अशोक खोरे जी, जोरदार इनके लिए तालियां। इनके खेत गया था, मिट्टी निगेटिव थी, तब से ये खेती करना शुरू किए, और कुछ कुछ जैव रसायन ये बना के डालने लगे हैं। कितने एकड़ में खोरे जी आपकी खेती? 30 एकड़ में जैविक। जोरदार इनके लिए भी तालियां, ठीक है। और हमारे अमित पाटीदार हैं यहाँ, अमित पाटीदार जी 28-30 एकड़ में खेती करते। अमोल पटेल हैं, अमोल पटेल जी 175 एकड़ में जैविक खेती करते हैं, और दमोह के हैं, और इन्होंने अभी एक्सपोर्ट के लिए कंपनी बना ली, निताई ऑर्गेनिक्स, और मुझे भी जबरदस्ती डायरेक्टर बना दिया है ताकि गुरुजी पूरा समय रहें। और जैविक किसान कौन कौन है थोड़ा बताइए, मुझे दिख नहीं रहे जरा, जो जो जैविक किसान जल्दी आइए, दौड़ के फटाफट आइए, फटाफट आइए। सर्वज्ञ दीवान जी, ये जोरदार दीवान जी मेरे से केवल फोन से बात करते रहते भाई, और जैविक खेती कर रहे हैं, ठीक है। आइए मंच पे, सभी लोग आए। विजय सोनी जी आप भी आइए जरा, आप खेती के मास्टर हो भाई, खेती नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। हाँ विजेंद्र जी, जोरदार विजेंद्र जी, हमारे महाकौशल प्रांत के अध्यक्ष हैं जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन के, ठीक है, जोरदार आइए आइए ऐसे ऐसे। और कौन कौन किसान हैं इधर पीछे, पीछे कोई है? हाँ अमोल पटेल जी चले गए शायद, ठीक है। हाँ अरे वैशाली जी आइए, अरे आइए आप सब आइए, हाँ इधर आइए, इधर इधर आइए, जोरदार आइए भैया। तो जरा मैं चाह रहा हूँ 3 मिनट तक जोरदार तालियां बजे हमारे किसानों के लिए। 1-2, 1-2-3, 1-2, 1-2। जोरदार जरा बैठे बैठे नारे लगाए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राजीव दीक्षित अमर रहे, राजीव दीक्षित अमर रहे। नानाजी देशमुख मेरे प्रणासोत, नानाजी देशमुख अमर रहे, नानाजी देशमुख अमर रहे। दीपक सजदे मेरे गुरुजी, दीपक सजदे अमर रहे, दीपक सजदे अमर रहे। गौ माता की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। ठीक हाँ बजाई बजाई, एक ताली सीख लीजिए, पहले देख लीजिए हथेली और उंगलियां दो हिस्सा लेना है, पहला देख लीजिए, दूसरी बार साथ करेंगे, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3। कृपया शुरू करें, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, कभी कई तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया, ये कभी तकलीफ नहीं देगा, क्या बात है, यही तो विशेषता है, ठीक है जोरदार, ठीक ठीक ठीक, हाँ बैठिए। चलिए मैं आज का कार्यक्रम मतलब अपना आख्यान समाप्त करता हूँ, वैशाली जी को मंच प्रदान करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये सेशन, अच्छा लगा।